साउथ में बहुत सारी दोस्तों कमाल की मूवीज़ है लेकिन कुछ ऐसी फिल्में हैं जिन्हें हम एक बार देख लेते हैं तो काफ़ी लंबे समय तक नहीं भूल पाते हैं और ऐसी ही कमाल की मूवी है कि जी आप चैप्टर टू जिसके बारे में आज हम बात करेंगे और दोस्तों आप भी अगर इस फिल्म को हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको मिलेंगी वो भी मैं आपको वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ साथ ही मैं आपको फ़िल्म के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊँगा जो आप नहीं जानते होंगे वैसे दोस्तों फिल्म काफ़ी लाजवाब है इसके अंदर हमें काफ़ी तगड़ा एक्शन भी देखने को मिलता है और आप इसे हिंदी के अंदर भी देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म के जी आप चैप्टर टू के बारे में इससे पहले भी इस फिल्म का एक पार्ट आ चुका है अगर अभी तक तो आपने उसे नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए इस फिल्म का जो भोजपुरी वर्जन है वो यूट्यूब पर तो अवेलेबल है लेकिन वहाँ जाकर अगर आप देखते हैं तो आपको यही लगेगा कि आप हिंदी फिल्म ही देख रहे हैं बस क्या नहीं कि भोजपुरी है और अब तक वहाँ पर 900 मिलियन व्यू मिले हैं इस मूवी को यानी कि 90 करोड़ लोग देख चुके हैं अब तक खैर दोस्तों बात करते हैं आगे इस फिल्म के बारे में तो इस मूवी के अंदर हमें क्राइम और एक्शन दोनों ही देखने को मिलेगा और इसका रन टाइम लगभग जो होगा वो पौने तीन घंटे के आसपास का है जो कि हमें दोस्तों बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाला है इसके अलावा दोस्तों इस फिल्म के अंदर हमें जो है एक अच्छी स्टोरी भी देखने को मिलेंगी और कहानी भी दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त है इस फिल्म के अंदर जो है वो जिस तरह का एक्शन हमें दिखाया गया है वाकई लाजवाब है हर मूवी के अंदर कुछ ख़ास बात दोस्तों होती है और इस फिल्म के अंदर भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है यहाँ पर माँ और बेटे की जो कहानी है वो काफ़ी दिलचस्प है और इस फिल्म की जो आई रेटिंग है वो टेन आउट ऑफ एट पॉइंट टू की है और नाइन्टी फॉर प्रतिशत लोगों ने इसे लाइक किया है गूगल की तरफ से बाकी जो रॉट एन टमेटोज़ है वहाँ पर लगभग पचास प्रतिशत लाइक मिले हैं लेकिन मेरा मानना ये है कि आप इस फिल्म को जब देखेंगे तो आप भी यही कहेंगे कि भाई वो रेटिंग ठीक नहीं है जो कि रॉट एन की है इस फिल्म के जो डायरेक्टर है वो प्रशांत नील जो कि पहले भी सलार के जी अब चैप्टर वन ओग्रम ऐसी बहुत सी मूवीज़ बना चुके हैं और इनकी एक और मूवी आने वाली है एन टी आर थर्टी वन देखते हैं दोस्तों वो कैसी रहती है और क्या कैसा रिस्पॉन्स जो है उसे मिलता है अब बात करते हैं कि जी आप चैप्टर टू के बारे में दरअसल दोस्तों आप इस फिल्म को हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये आप सभी को जो है वो हिंदी में फ्री में यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेंगी हालांकि पहला पार्ट जैसे कि मैंने आपको बताया भोजपुरी के अंदर यूटूब पर अवेलेबल है लेकिन अगर आपको दूसरे पार्ट को देखना है तो आपको जाना पड़ेगा अमेजोन प्राइम वीडियो पे जी हाँ दोस्तों आपको इस फ़िल्म का दूसरा पार्ट देखना है तो आपको अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर जाना पड़ेगा जहाँ पर इस फ़िल्म का दूसरा पार्ट हिंदी के अंदर अवेलेबल है आप दूसरा से वहाँ पर देख सकते हैं एक तो रेंट पर लेकर या फिर आप अमेज़ॉन प्राइम की जो सब्सक्रिप्शन है मेंबरशिप है वो भी ले सकते हैं यहाँ पर आपको हिंदी के अंदर ये देखने को मिलती है और अलग अलग हिंदी वर्जन है जैसे कि कुछ में डायलॉग बूस्ट किए गए हैं कुछ में डायलॉग मीडियम है तो ऐसे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं इस फिल्म का डायरेक्शन बहुत ही बढ़िया है और जो आप फिल्म से वहाँ पर इसे शायद मतलब उनका जो स्टूडियो था वहाँ पर ही इस शायद इसे डब कराया होगा अगर हम फिल्म की बात करें तो फ़िल्म की स्टोरी भी दोस्तों काफ़ी लाजवाब है जो कि हमें पूरी तरह से एंगेज करके रखती है अगर आप लोगों ने इस फिल्म का दोस्तों पहला पार्ट देखा होगा तो आपको पता होगा कि कहानी कहाँ पर ख़त्म हुई थी और वहीं से दोस्तों इस मूवी की कहानी जारी की जाती है और फिर मूवी देखने में मज़ा आता है अगर कहानी की बात करूँ तो इसका हर एक डायलॉग काफ़ी बढ़िया है और ये एक छोटे से गांव में रह रही माँ की जीत की कहानी बताती है और उस जीत को पूरा करने के लिए रॉकी के सद तक जा सकता है वाकई के जी अब चैप्टर टू के निर्देशक प्रशांत नील और यश उसे वादे को पूरा करते हैं और इस बार चैप्टर टू के अंदर उसे और भी ज़्यादा भव्य विशाल और इमोशनल और एंटरटेनिंग बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है लगभग हम देखते हैं दोस्तों जब किसी फिल्म का पहला पार्ट आता है तो दूसरा पार्ट उतना कमाल नहीं कर पाता है लेकिन कुछ ही ऐसी मूवीज़ होती है जिसका दूसरा पार्ट जो होता है ऑडियंस का दिल जीत लेता है और वो कामयाब होता है जैसे कि धूम सीरीज आप देख लीजिए के जी आप सीरीज़ देख लीजिए और शायद सलार टू भी शायद ऐसा ही कर सकती है वो भी एक बहुत ही बड़ी ब्लॉक फिल्म हो सकती है दूसरे भाग के अंदर हम देखते हैं कहानी जहाँ ख़त्म हुई थी वहाँ शुरू होती है अब यश ने गरोड़ा को मार कर के जी पर नया राज सुल्तान बन गया है उसे वहाँ के लोगों का बे इनतहा प्यार मिलता है और उसी प्यार के बलबूते पर वे रॉकी को अपना खुदा मानते हैं यहाँ रॉकी आदि तूफान की तरह ही आगे बढ़ता जा रहा है और एक मंजिल फतह करने के बाद वे दूसरी मंजिल पर जीत हासिल कर करता है उसे के आपको सारा मतलब साना सोना चाहिए क्योंकि उसने अपनी माँ से वादा किया होता है कि जब वो मरेगा तो दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनकर मर बनकर मरेगा अब ऐसा यहाँ पर होता है या नहीं वो तो आप इस मूवी के अंदर देखेंगे बाकी दोस्तों फिल्म के अंदर जो है स्टोरी भी काफ़ी ज़बरदस्त है और जिस तरह से कहानी दोस्तों आगे बढ़ती है उसे देखने में काफ़ी मज़ा भी आता है पर्सनली मूवी तो मुझे काफ़ी दोस्तों बढ़िया लगी और इस फिल्म के अंदर हमें स्टोरी भी बहुत ही अच्छी देखने को मिली थी बाकी आप यश के फ़ैन हैं या फिर प्रसाद नल के फ़ैन हैं आप इस मूवी को जब देखेंगे तो आप दोनों के फ़ैन हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर ज़बरदस्त डायरेक्शन है और साथ ही में जो यश है इन्होंने बहुत ही तगड़ी एक्टिंग की है और नेगेटिव रोल के अंदर जो संजय दत्त है इन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया हुआ है जो कि आपको ज़रा भी निराश नहीं करेंगे तो कुल मिलाकर जो है वो एक ज़बरदस्त फिल्म है जिसे आप एक बार ज़रूर अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करिए ये मूवी अक्सर टीवी पर आती रहती है सोनी मैक्स पे तो आप चाहे तो इसी टीवी के ऊपर भी दोस्तों देख सकते हैं साउथ में बहुत सारी दोस्तों कमाल की मूवीज़ है लेकिन कुछ ऐसी फिल्में हैं जिन्हें हम एक बार देख लेते हैं तो काफ़ी लंबे समय तक नहीं भूल पाते हैं और ऐसी ही कमाल की मूवी है कि जी आप चैप्टर टू जिसके बारे में आज हम बात करेंगे और दोस्तों आप भी अगर इस फिल्म को हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको मिलेंगी वो भी मैं आपको वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ साथ ही मैं आपको फ़िल्म के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊँगा जो आप नहीं जानते होंगे वैसे दोस्तों फिल्म काफ़ी लाजवाब है इसके अंदर हमें काफ़ी तगड़ा एक्शन भी देखने को मिलता है और आप इसे हिंदी के अंदर भी देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म के आप चैप्टर टू के बारे में इससे पहले भी इस फिल्म का एक पार्ट आ चुका है अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए इस फिल्म का जो भोजपुरी वर्जन है वो यूट्यूब पर तो अवेलेबल है लेकिन वहाँ जाकर अगर आप देखते हैं तो आपको यही लगेगा कि आप हिंदी फिल्म ही देख रहे हैं बस कहने की भोजपुरी है और अब तक वहाँ पर 900 मिलियन व्यू मिले हैं इस मूवी को यानी कि नब्बे करोड़ लोग देख चुके हैं अब तक खैर दोस्तों बात करते हैं आगे इस फिल्म के बारे में तो इस मूवी के अंदर हमें क्राइम और एक्शन दोनों ही देखने को मिलेगा और इसका रन टाइम लगभग जो होगा वो पौने तीन घंटे के आसपास का है जो कि हमें दोस्तों बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाला है इसके अलावा दोस्तों इस फिल्म के अंदर हमें जो है एक अच्छी स्टोरी भी देखने को मिलेंगी और कहानी भी दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त है इस फिल्म के अंदर जो है वो जिस तरह का एक्शन हमें दिखाया गया है वाकई लाजवाब है हर मूवी के अंदर कुछ खास बात दोस्तों होती है और इस फिल्म के अंदर भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है यहाँ पर माँ और बेटे की जो कहानी है वो काफ़ी दिलदस्त है और इस फिल्म की जो आई एम रेटिंग है वो टेन आउट ऑफ एट पॉइंट टू की है और नाइन्टी फॉर प्रतिशत लोगों ने इसे लाइक किया है गूगल की तरफ से बाकी जो रॉट एन है वहाँ पर लगभग पचास प्रतिशत लाइक मिले हैं लेकिन मेरा मानना ये है कि आप इस फिल्म को जब देखेंगे तो आप भी यही कहेंगे कि भाई वो रेटिंग ठीक नहीं है जो कि रॉट एंड की है इस फिल्म के जो डायरेक्टर है वो प्रशांत नील जो कि पहले भी सलार की जी चैप्टर वन ओग्रम ऐसी बहुत सी मूवीज़ बना चुके हैं और इनकी एक और मूवी आने वाली है एन टी आर थर्टी वन देखते हैं दोस्तों वो कैसी रहती है और क्या सा रिस्पॉन्स जो है उसे मिलता है अब बात करते हैं जी आप चैप्टर टू के बारे में दरअसल दोस्तों आप इस फिल्म को हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये आप सभी को जो है वो हिंदी में फ्री में यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेंगी हालांकि पहला पार्ट जैसे कि मैंने आपको बताया भोजपुरी के अंदर यूटूब पर अवेलेबल है लेकिन अगर आपको दूसरे पार्ट को देखना है तो आपको जाना पड़ेगा Amazon प्राइम वीडियो पे जी हाँ दोस्तों आपको इस फिल्म का दूसरा पार्ट देखना है तो आपको Amazon प्राइम वीडियो पर जाना पड़ेगा जहाँ पर इस फ़िल्म का दूसरा पार्ट हिंदी के अंदर अवेलेबल है आप दूसरा से वहाँ पर देख सकते हैं एक तो रेंट पर लेकर या फिर आप Amazon प्राइम की जो सब्सक्रिप्शन है मेम्बरशिप वो भी ले सकते हैं यहाँ पर आपको हिंदी के अंदर ये देखने को मिलती है और अलग अलग हिंदी वर्जन है जैसे कि कुछ में डायलॉग बूस्ट किए गए हैं कुछ में डायलॉग मीडियम है तो ऐसे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं इस फिल्म का डायरेक्शन बहुत ही बढ़िया है और जो आप फिल्म से वहाँ पर इसे शायद मतलब उनका जो स्टूडियो था वहाँ पर ही इस शायद इसे डब कराया होगा अगर हम फिल्म की बात करें तो फ़िल्म की स्टोरी भी दोस्तों काफ़ी लाजवाब है जो कि हमें पूरी तरह से एंगेज करके रखती है अगर आप लोगों ने इस फिल्म का दोस्तों पहला पार्ट देखा होगा तो आपको पता होगा कि कहानी कहाँ पर ख़त्म हुई थी और वहीं से दोस्तों इस मूवी की कहानी जारी की जाती है और फिर मूवी देखने में मज़ा आता है अगर कहानी की बात करूँ तो इसका हर एक डायलॉग काफ़ी बढ़िया है और ये एक छोटे से गाँव में रह रही माँ की जीत की कहानी बताती है और उस जीत को पूरा करने के लिए रॉकी के सद तक जा सकता है वाकई के जी ऑफ चैप्टर टू के निर्देशक प्रशांत नील और यश उसे वादे को पूरा करते हैं और इस बार चैप्टर टू के अंदर उसे और भी ज़्यादा भव्य विशाल और इमोशनल और एंटरटेनिंग बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है लगभग हम देखते हैं दोस्तों जब किसी फिल्म का पहला पार्ट आता है तो दूसरा पार्ट उतना कमाल नहीं कर पाता है लेकिन कुछ ही ऐसी मूवीज़ होती है जिसका दूसरा पार्ट जो होता है वो ऑडियंस का दिल जीत लेता है और वह कामयाब होता है जैसे कि धूम सीरीज आप देख लीजिए कीजिए आप सीरीज़ देख लीजिए और शायद सलार टू भी शायद ऐसा ही कर सकती है वो भी एक बहुत ही बड़ी ब्लॉक फिल्म हो सकती है दूसरे भाग के अंदर हम देखते हैं कहानी जहाँ ख़त्म हुई थी वहाँ शुरू होती है अब यश ने गरुड़ा को मार करके जिया पर नया राज सुल्तान बन गया है उसे वहाँ के लोगों का बेानतहा प्यार मिलता है और उसी प्यार के बलबूते पर वे रॉकी को अपना खुदा मानते हैं यहाँ रॉकी आदि तूफान की तरह ही आगे बढ़ता जा रहा है और एक मंजिल फतह करने के बाद वे दूसरी मंजिल पर जीत हासिल कर जा करता है उसे कीजिए आपको सारा मतलब साना सोना चाहिए क्योंकि उसने अपनी माँ से वादा किया होता है कि जब वो मरेगा तो दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनकर मर बनकर मरेगा अब ऐसा यहाँ पर होता है या नहीं वो तो आप इस मूवी के अंदर देखेंगे बाकी दोस्तों फिल्म के अंदर जो है स्टोरी भी काफ़ी ज़बरदस्त है और जिस तरह से कहानी दोस्तों आगे बढ़ती है उसे देखने में काफ़ी मज़ा भी आता है पर्सनली मूवी तो मुझे काफ़ी दोस्तों बढ़िया लगी और इस फिल्म के अंदर हमें स्टोरी भी बहुत ही अच्छी देखने को मिली थी बाकी आप यश के फ़ैन हैं या फिर प्रसाद नल के फ़ैन हैं आप इस मूवी को जब देखेंगे तो आप दोनों के फ़ैन हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर ज़बरदस्त डायरेक्शन है और साथ ही में जो यश है इन्होंने बहुत ही तगड़ी एक्टिंग की है और नेगेटिव रोल के अंदर जो संजय दत्त है इन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया हुआ है जो कि आपको ज़रा भी निराश नहीं करेंगे तो कुल मिलाकर जो है वो एक ज़बरदस्त फिल्म है जिसे आप एक बार जरूर अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करिए ये मूवी अक्सर टीवी पर आती रहती है सोनी मैक्स पे तो आप चाहे तो इसी टीवी के ऊपर भी दोस्तों देख सकते हैं साउथ में बहुत सारी दोस्तों कमाल की मूवीज़ है लेकिन कुछ ऐसी फिल्में हैं जिन्हें हम एक बार देख लेते हैं तो काफ़ी लंबे समय तक नहीं भूल पाते हैं और ऐसे ही कमाल की मूवी है कि जी आप चैप्टर टू जिसके बारे में आज हम बात करेंगे और दोस्तों आप भी अगर इस फिल्म को हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको मिलेंगी वो भी मैं आपको वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ साथ ही मैं आपको फ़िल्म के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊँगा जो आप नहीं जानते होंगे वैसे दोस्तों फ़िल्म काफ़ी लाजवाब है इसके अंदर हमें काफ़ी तगड़ा एक्शन भी देखने को मिलता है और आप इसे हिंदी के अंदर भी देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म के जी चैप्टर टू के बारे में इससे पहले भी इस फिल्म का एक पार्ट आ चुका है अगर अभी तक तो आपने उसे नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए इस फिल्म का जो भोजपुरी वर्ज़न है वो यूट्यूब पर तो अवेलेबल है लेकिन वहाँ जाकर अगर आप देखते हैं तो आपको यही लगेगा कि आप हिंदी फिल्म ही देख रहे हैं बस क्या नहीं कि भोजपुरी है और अब तक वहाँ पर 900 मिलियन व्यू मिले हैं इस मूवी को यानी कि 90 करोड़ लोग देख चुके हैं अब तक खैर दोस्तों बात करते हैं आगे इस फ़िल्म के बारे में तो इस मूवी के अंदर हमें क्राइम और एक्शन दोनों ही देखने को मिलेगा और इसका रन टाइम लगभग जो होगा वो पौने तीन घंटे के आसपास का है जो कि हमें दोस्तों बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाला है इसके अलावा दोस्तों इस फिल्म के अंदर हमें जो है एक अच्छी स्टोरी भी देखने को मिलेंगी और कहानी भी दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त है इस फिल्म के अंदर जो है वो जिस तरह का एक्शन हमें दिखाया गया है वाकई लाजवाब है हर मूवी के अंदर कुछ ख़ास बात दोस्तों होती है और इस फिल्म के अंदर भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है यहाँ पर माँ और बेटे की जो कहानी है वो काफ़ी दिलचस्त है और इस फिल्म की जो आई रेटिंग है वो 10 आउट ऑफ एट पॉइंट टू की है और नाइन्टी फॉर प्रतिशत लोगों ने इसे लाइक किया है गूगल की तरफ से बाकी जो रॉट एन टमेटोज़ है वहाँ पर लगभग पचास प्रतिशत लायक मिले हैं लेकिन मेरा मानना ये है कि आप इस फिल्म को जब देखेंगे तो आप भी यही कहेंगे कि भाई वो रेटिंग ठीक नहीं है जो कि रोटेन एन की है इस फिल्म के जो डायरेक्टर है वो प्रशांत नील जो कि पहले भी सलार की जी अब चैप्टर वन ओग्रम ऐसी बहुत सी मूवीज़ बना चुके हैं और इनकी एक और मूवी आने वाली है एन टी देखते हैं दोस्तों वो कैसी रहती है और क्या सा रिस्पॉन्स जो है उसे मिलता है अब बात करते हैं कीजिए आप चैप्टर टू के बारे में दरअसल दोस्तों आप इस फिल्म को हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये आप सभी को जो है वो हिंदी में फ्री में यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेंगी हालांकि पहला पार्ट जैसे कि मैंने आपको बताया भोजपुरी के अंदर यूट्यूब पर अवेलेबल है लेकिन अगर आपको दूसरे पार्ट को देखना है तो आपको जाना पड़ेगा Amazon प्राइम वीडियो पे जी हाँ दोस्तों आपको इस फिल्म का दूसरा पार्ट देखना है तो आपको Amazon प्राइम वीडियो पर जाना पड़ेगा जहाँ पर इस फ़िल्म का दूसरा पार्ट हिंदी के अंदर अवेलेबल है आप दूसरा से वहाँ पर देख सकते हैं एक तो रेंट पर लेकर या फिर आप Amazon प्राइम की जो सब्सक्रिप्शन है मेम्बरशिप वो भी ले सकते हैं यहाँ पर आपको हिंदी के अंदर ये देखने को मिलती है और अलग अलग हिंदी वर्जन है जैसे कि कुछ में डायलॉग बूस्ट किए गए हैं कुछ में डायलॉग मीडियम है तो ऐसे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं इस फिल्म का डायरेक्शन बहुत ही बढ़िया है और जो आप फिल्म से वहाँ पर इसे शायद मतलब उनका जो स्टूडियो था वहाँ पर ही इस शायद इसे डब कराया होगा अगर हम फिल्म की बात करें तो फ़िल्म की स्टोरी भी दोस्तों काफ़ी लाजवाब है जो कि हमें पूरी तरह से एंगेज करके रखती है अगर आप लोगों ने इस फिल्म का दोस्तों पहला पार्ट देखा होगा तो आपको पता होगा कि कहानी कहाँ पर ख़त्म हुई थी और वहीं से दोस्तों इस मूवी की कहानी जारी की जाती है और फिर मूवी देखने में मज़ा आता है अगर कहानी की बात करूँ तो इसका हर एक डायलॉग काफ़ी बढ़िया है और ये एक छोटे से गाँव में रह रही माँ की जीत की कहानी बताती है और उस जीत को पूरा करने के लिए रॉकी के सद तक जा सकता है वाकई के जी एफ चैप्टर टू के निर्देशक प्रशांत नील और यश उसे वादे को पूरा करते हैं और इस बार चैप्टर टू के अंदर उसे और भी ज़्यादा भव्य विशाल और इमोशनल और एंटरटेनिंग बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है लगभग हम देखते हैं दोस्तों जब किसी फिल्म का पहला पार्ट आता है तो दूसरा पार्ट उतना कमाल नहीं कर पाता है लेकिन कुछ ही ऐसी मूवीज़ होती है जिसका दूसरा पार्ट जो होता है वो ऑडियंस का दिल जीत लेता है और वो कामयाब होता है जैसे कि धूम सीरीज आप देख लीजिए कीजिए आप सीरीज़ देख लीजिए और शायद सलार टू भी शायद ऐसा ही कर सकती है वो भी एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबास्टर फिल्म हो सकती है दूसरे भाग के अंदर हम देखते हैं कहानी जहाँ ख़त्म हुई थी वहाँ शुरू होती है अब यश ने गरुड़ा को मार करके जिया पर नया राज सुल्तान बन गया है उसे वहाँ के लोगों का बे प्यार मिलता है और उसी प्यार के बलबूते पर वे रॉकी को अपना खुदा मानते हैं यहाँ रॉकी आदि तूफान की तरह ही आगे बढ़ता जा रहा है और एक मंजिल फतह करने के बाद वे दूसरी मंजिल पर जीत हासिल कर जा करता है उसे कीजिए आपको सारा मतलब साना सोना चाहिए क्योंकि उसने अपनी माँ से वादा किया होता है कि जब वो मरेगा तो दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनकर मर बनकर मरेगा अब ऐसा यहाँ पर होता है या नहीं वो तो आप इस मूवी के अंदर देखेंगे बाकी दोस्तों फिल्म के अंदर जो है स्टोरी भी काफ़ी ज़बरदस्त है और जिस तरह से कहानी दोस्तों आगे बढ़ती है उसे देखने में काफ़ी मज़ा भी आता है पर्सनली मूवी तो मुझे काफ़ी दोस्तों बढ़िया लगी और इस फिल्म के अंदर हमें स्टोरी भी बहुत ही अच्छी देखने को मिली थी बाकी आप यश के फ़ैन हैं या फिर प्रशांत नल के फ़ैन हैं आप इस मूवी को जब देखेंगे तो आप दोनों के फ़ैन हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर ज़बरदस्त डायरेक्शन है और साथ ही में जो यश है इन्होंने बहुत ही तगड़ी एक्टिंग की है और नेगेटिव रोल के अंदर जो संजय दत्त है इन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया हुआ है जो कि आपको ज़रा भी निराश नहीं करेंगे तो कुल मिलाकर जो है वो एक जबरदस्त फिल्म है जिसे आप एक बार ज़रूर अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करिए ये मूवी अक्सर टीवी पर आती रहती है सोनी मैक्स पे तो आप चाहे तो इसी टीवी के ऊपर भी दोस्तों देख सकते हैं साउथ में बहुत सारी दोस्तों कमाल की मूवीज़ है लेकिन कुछ ऐसी फिल्में हैं जिन्हें हम एक बार देख लेते हैं तो काफ़ी लंबे समय तक नहीं भूल पाते हैं और ऐसे ही कमाल की मूवी है कि जी आप चैप्टर टू जिसके बारे में आज हम बात करेंगे और दोस्तों आप भी अगर इस फिल्म को हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको मिलेंगी वो भी मैं आपको वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ साथ ही मैं आपको फ़िल्म के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आप नहीं जानते होंगे। वैसे दोस्तों फिल्म काफ़ी लाजवाब है इसके अंदर हमें काफ़ी तगड़ा एक्शन भी देखने को मिलता है और आप इसे हिंदी के अंदर भी देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म के जी आप चैप्टर टू के बारे में इससे पहले भी इस फिल्म का एक पार्ट आ चुका है अगर अभी तक तो आपने उसे नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए इस फ़िल्म का जो भोजपुरी वर्ज़न है वो यूट्यूब पर तो अवेलेबल है लेकिन वहाँ जाकर अगर आप देखते हैं तो आपको यही लगेगा कि आप हिंदी फिल्म ही देख रहे हैं बस क्या की कि भोजपुरी है और अब तक वहाँ पर 900 मिलियन व्यू मिले हैं इस मूवी को यानी कि 90 करोड़ लोग देख चुके हैं अब तक खैर दोस्तों बात करते हैं आगे इस फ़िल्म के बारे में तो इस मूवी के अंदर हमें क्राइम और एक्शन दोनों ही देखने को मिलेगा और इसका रन टाइम लगभग जो होगा वो पौने तीन घंटे के आसपास का है जो कि हमें दोस्तों बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाला है इसके अलावा दोस्तों इस फिल्म के अंदर हमें जो है एक अच्छी स्टोरी भी देखने को मिलेंगी और कहानी भी दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त है इस फिल्म के अंदर जो है वो जिस तरह का एक्शन हमें दिखाया गया है वाकई लाजवाब है हर मूवी के अंदर कुछ खास बात दोस्तों होती है और इस फिल्म के अंदर भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है यहाँ पर माँ और बेटे की जो कहानी है वो काफ़ी दिलचस्प है और इस फिल्म की जो आईएमडीबी रेटिंग है वो 10 आउट ऑफ एट पॉइंट टू की है और नाइन्टी प्रतिशत लोगों ने इसे लाइक किया है गूगल की तरफ से बाकी जो रॉट एंड टमेटोज़ है वहाँ पर लगभग पचास प्रतिशत लायक मिले हैं लेकिन मेरा मानना ये है कि आप इस फिल्म को जब देखेंगे तो आप भी यही कहेंगे कि भाई वो रेटिंग ठीक नहीं है जो कि रॉट एंड टमेटोज़ की है इस फिल्म के जो डायरेक्टर है वो प्रशांत नील जो कि पहले भी सलार की जी अप चैप्टर वन ओग्रम ऐसी बहुत सी मूवीज़ बना चुके हैं और इनकी एक और मूवी आने वाली है एन टी देखते हैं दोस्तों वो कैसी रहती है और क्या सा रिस्पॉन्स जो है उसे मिलता है अब बात करते हैं कीजिए आप चैप्टर टू के बारे में दरअसल दोस्तों आप इस फिल्म को हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये आप सभी को जो है वो हिंदी में फ्री में यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेंगी हालांकि पहला पार्ट जैसे कि मैंने आपको बताया भोजपुरी के अंदर यूट्यूब पर अवेलेबल है लेकिन अगर आपको दूसरे पार्ट को देखना है तो आपको जाना पड़ेगा एमेज़ोन प्राइम वीडियो पर जी हाँ दोस्तों आपको इस फ़िल्म का दूसरा पार्ट देखना है तो आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर जाना पड़ेगा जहाँ पर इस फिल्म का दूसरा पार्ट हिंदी के अंदर अवेलेबल है आप दूसरा से वहाँ पर देख सकते हैं एक तो रेंट पर लेकर या फिर आप अमेज़ोन प्राइम की जो सब्सक्रिप्शन है मेंबरशिप वो भी ले सकते हैं यहाँ पर आपको हिंदी के अंदर ये देखने को मिलती है और अलग अलग हिंदी वर्जन है जैसे कि कुछ में डायलॉग बूस्ट किए गए हैं कुछ मेडा डायलॉग मीडियम है तो ऐसे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं इस फिल्म का डायरेक्शन बहुत ही बढ़िया है और जो आप फिल्म से वहाँ पर ही शायद मतलब उनका, उनका जो स्टूडियो था वहाँ पर ही शायद इसे डब कराया होगा अगर हम फिल्म की बात करें तो फ़िल्म की स्टोरी भी दोस्तों काफ़ी लाजवाब है जो कि हमें पूरी तरह से एंगेज करके रखती है अगर आप लोगों ने इस फिल्म का दोस्तों पहला पार्ट देखा होगा तो आपको पता होगा कि कहानी कहाँ पर ख़त्म हुई थी और वहीं से दोस्तों इस मूवी की कहानी जारी की जाती है और फिर मूवी देखने में मज़ा आता है अगर कहानी की बात करूँ तो इसका हर एक डायलॉग काफ़ी बढ़िया है और ये एक छोटे से गाँव में रह रही माँ की जीत की कहानी बताती है और उस जीत को पूरा करने के लिए रॉकी के सद तक जा सकता है वाकई के जी चैप्टर टू के निर्देशक प्रशांत नील और यश उसे वादे को पूरा करते हैं और इस बार चैप्टर टू के अंदर उसे और भी ज़्यादा भव्य विशाल और इमोशनल और एंटरटेनिंग बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है लगभग हम देखते हैं दोस्तों जब किसी फिल्म का पहला पार्ट आता है तो दूसरा पार्ट उतना कमाल नहीं कर पाता है लेकिन कुछ ही ऐसी मूवीज़ होती है जिसका दूसरा पार्ट जो होता है वो ऑडियंस का दिल जीत लेता है और वो कामयाब होता है जैसे कि धूम सीरीज आप देख लीजिए कीजिए आप सीरीज़ देख लीजिए और शायद सलाार टू भी शायद ऐसा ही कर सकती है वो भी एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म हो सकती है दूसरे भाग के अंदर हम देखते हैं कहानी जहाँ ख़त्म हुई थी वहाँ शुरू होती है अब यश ने गरुड़ा को मार कर के जी पर नया राज सुल्तान बन गया है उसे वहाँ के लोगों का बेानतहा प्यार मिलता है और उसी प्यार के बलबूते पर वे रॉकी को अपना खुदा मानते हैं यह रॉकी आदि तूफान की तरह ही आगे बढ़ता जा रहा है और एक मंजिल फतह करने के बाद वे दूसरी मंजिल पर जीत हासिल कर जा करता है उसे के जी आपको सारा मतलब साना च, सोना चाहिए क्योंकि उसने अपनी माँ से वादा किया होता है कि जब वो मरेगा तो दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनकर मर बनकर मरेगा अब ऐसा यहाँ पर होता है या नहीं वो तो आप इस मूवी के अंदर देखेंगे बाकी दोस्तों फिल्म के अंदर जो है स्टोरी भी काफ़ी ज़बरदस्त है और जिस तरह से कहानी दोस्तों आगे बढ़ती है उसे देखने में काफ़ी मज़ा भी आता है पर्सनली मूवी तो मुझे काफ़ी दोस्तों बढ़िया लगी और इस फिल्म के अंदर हमें स्टोरी भी बहुत ही अच्छी देखने को मिली थी बाकी आप यश के फ़ैन हैं या फिर प्रशांत नल के फ़ैन हैं आप इस मूवी को जब देखेंगे तो आप दोनों के फ़ैन हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर ज़बरदस्त डायरेक्शन है और साथ ही में जो यश है इन्होंने बहुत ही तगड़ी एक्टिंग की है और नेगेटिव रोल के अंदर जो संजय दत्त है इन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया हुआ है जो कि आपको ज़रा भी निराश नहीं करेंगे तो कुल मिलाकर जो है वो एक ज़बरदस्त फिल्म है जिसे आप एक बार ज़रूर अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करिए ये मूवी अक्सर टीवी पर आती रहती है सोनी मैक्स पे तो आप चाहे तो इसे टीवी के ऊपर भी दोस्तों देख सकते हैं साउथ में बहुत सारी दोस्तों कमाल की मूवीज़ है लेकिन कुछ ऐसी फिल्में हैं जिन्हें हम एक बार देख लेते हैं तो काफ़ी लंबे समय तक नहीं भूल पाते हैं और ऐसे ही कमाल की मूवी है कि जी आप चैप्टर टू जिसके बारे में आज हम बात करेंगे और दोस्तों आप भी अगर इस फिल्म को हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको मिलेंगी वो भी मैं आपको वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ साथ ही मैं आपको फ़िल्म के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊँगा जो आप नहीं जानते होंगे वैसे दोस्तों फिल्म काफ़ी लाजवाब है इसके अंदर हमें काफ़ी तगड़ा एक्शन भी देखने को मिलता है और आप इसे हिंदी के अंदर भी देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म के चैप्टर टू के बारे में इससे पहले भी इस फिल्म का एक पार्ट आ चुका है अगर अभी तक तो आपने उसे नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए इस फिल्म का जो भोजपुरी वर्जन है वो यूट्यूब पर तो अवेलेबल है लेकिन वहाँ जाकर अगर आप देखते हैं तो आपको यही लगेगा कि आप हिंदी फिल्म ही देख रहे हैं बस कहने की भोजपुरी है और अब तक वहाँ पर 900 मिलियन व्यू मिले हैं इस मूवी को यानी कि 90 करोड़ लोग देख चुके हैं अब तक खैर दोस्तों बात करते हैं आगे इस फिल्म के बारे में तो इस मूवी के अंदर हमें क्राइम और एक्शन दोनों ही देखने को मिलेगा और इसका रन टाइम लगभग जो होगा वो पौने तीन घंटे के आसपास का है जो कि हमें दोस्तों बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाला है इसके अलावा दोस्तों इस फिल्म के अंदर हमें जो है एक अच्छी स्टोरी भी देखने को मिलेंगी और कहानी भी दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त है इस फिल्म के अंदर जो है वो जिस तरह का एक्शन हमें दिखाया गया है वाकई लाजवाब है हर मूवी के अंदर कुछ ख़ास बात दोस्तों होती है और इस फिल्म के अंदर भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है यहाँ पर माँ और बेटे की जो कहानी है वो काफ़ी दिलचस्प है और इस फिल्म की जो आईएमडीबी रेटिंग है वो टेन आउट ऑफ एट पॉइंट टू की है और नाइन्टी फॉर प्रतिशत लोगों ने इसे लाइक किया है गूगल की तरफ से बाकी जो रॉटन टमेटोज है वहाँ पर लगभग पचास प्रतिशत लाइक मिले हैं लेकिन मेरा मानना ये है कि आप इस फिल्म को जब देखेंगे तो आप भी यही कहेंगे कि भाई वो रेटिंग ठीक नहीं है जो कि रॉटन टमेटोज़ की है इस फिल्म के जो डायरेक्टर है वो प्रशांत नील जो कि पहले भी सलार की जी अब चैप्टर वन ओग्रम ऐसी बहुत सी मूवीज़ बना चुके हैं और इनकी एक और मूवी आने वाली है एन टी आर थर्टी वन देखते हैं दोस्तों वो कैसी रहती है और क्या कैसा रिस्पॉन्स जो है उसे मिलता है अब बात करते हैं कि जी आप चैप्टर टू के बारे में दरअसल दोस्तों आप इस फिल्म को हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये आप सभी को जो है वो हिंदी में फ्री में यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेंगी हालांकि पहला पार्ट जैसे कि मैंने आपको बताया भोजपुरी के अंदर यूट्यूब पर अवेलेबल है लेकिन अगर आपको दूसरे पार्ट को देखना है तो आपको जाना पड़ेगा अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पे जी हाँ दोस्तों आपको इस फ़िल्म का दूसरा पार्ट देखना है तो आपको अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर जाना पड़ेगा जहाँ पर इस फ़िल्म का दूसरा पार्ट हिंदी के अंदर अवेलेबल है आप दूसरा से वहाँ पर देख सकते हैं एक तो रेंट पर लेकर या फिर आप अमेज़ॉन प्राइम की जो सब्सक्रिप्शन है मेम्बरशिप वो भी ले सकते हैं यहाँ पर आपको हिंदी के अंदर ये देखने को मिलती है और अलग अलग हिंदी वर्जन है जैसे कि कुछ में डायलॉग बूस्ट किए गए हैं कुछ में डायलॉग मीडियम है तो ऐसे आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं इस फिल्म का डायरेक्शन बहुत ही बढ़िया है और जो आप फिल्म से वहाँ पर इसे शायद मतलब उनका जो स्टूडियो था वहाँ पर ही इस शायद इसे डब कराया होगा अगर हम फिल्म की बात करें तो फ़िल्म की स्टोरी भी दोस्तों काफ़ी लाजवाब है जो कि हमें पूरी तरह से एंगेज करके रखती है अगर आप लोगों ने इस फिल्म का दोस्तों पहला पार्ट देखा होगा तो आपको पता होगा कि कहानी कहाँ पर ख़त्म हुई थी और वहीं से दोस्तों इस मूवी की कहानी जारी की जाती है और फिर मूवी देखने में मज़ा आता है अगर कहानी की बात करूँ तो इसका हर एक डायलॉग काफ़ी बढ़िया है और ये एक छोटे से गांव में रह रही माँ की जीत की कहानी बताती है और उस जीत को पूरा करने के लिए रॉकी के सद तक जा सकता है वाकई के जी आप चैप्टर टू के निर्देशक प्रशांत नील और यश उसे वादे को पूरा करते हैं और इस बार चैप्टर टू के अंदर उसे और भी ज़्यादा भव्य विशाल और इमोशनल और एंटरटेनिंग बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है लगभग हम देखते हैं दोस्तों जब किसी फिल्म का पहला पार्ट आता है तो दूसरा पार्ट उतना कमाल नहीं कर पाता है लेकिन कुछ ही ऐसी मूवीज़ होती है जिसका दूसरा पार्ट जो होता है ऑडियंस का दिल जीत लेता है और वो कामयाब होता है जैसे कि धूम सीरीज आप देख लीजिए के जी आप सीरीज़ देख लीजिए और शायद सलार टू भी शायद ऐसा ही कर सकती है वो भी एक बहुत ही बड़ी ब्लॉक फिल्म हो सकती है दूसरे भाग के अंदर हम देखते हैं कहानी जहाँ ख़त्म हुई थी वहाँ शुरू होती है अब यश ने गरुड़ा को मार कर के जी पर नया राज सुल्तान बन गया है उसे वहाँ के लोगों का बेानतहा प्यार मिलता है और उसी प्यार के बलबूते पर वे रॉकी को अपना खुदा मानते हैं यहाँ रॉके आदि तूफ़ान की तरह ही आगे बढ़ता जा रहा है और एक मंजिल फतह करने के बाद वे दूसरी मंजिल पर जीत हासिल कर जा करता है उसे कीजिए आपको सारा मतलब साना सोना चाहिए क्योंकि उसने अपनी माँ से वादा किया होता है कि जब वो मरेगा तो दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनकर मर बनकर मरेगा अब ऐसा यहाँ पर होता है या नहीं वो तो आप इस मूवी के अंदर देखेंगे बाकी दोस्तों फिल्म के अंदर जो है स्टोरी भी काफ़ी ज़बरदस्त है और जिस तरह से कहानी दोस्तों आगे बढ़ती है उसे देखने में काफ़ी मज़ा भी आता है पर्सनली मूवी तो मुझे काफ़ी दोस्तों बढ़िया लगी और इस फिल्म के अंदर हमें स्टोरी भी बहुत ही अच्छी देखने को मिली थी बाकी आप यश के फ़ैन हैं या फिर प्रसाद नल के फ़ैन हैं आप इस मूवी को जब देखेंगे तो आप दोनों के फ़ैन हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर ज़बरदस्त डायरेक्शन है और साथ ही में जो यश है इन्होंने बहुत ही तगड़ी एक्टिंग की है और नेगेटिव रोल के अंदर जो संजय दत्त है इन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया हुआ है जो कि आपको ज़रा भी निराश नहीं करेंगे तो कुल मिलाकर जो है वो एक ज़बरदस्त फिल्म है जिसे आप एक बार ज़रूर अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करिए ये मूवी अक्सर टीवी पर आती रहती है सोनी मैक्स पे तो आप चाहे तो इसे टीवी के ऊपर भी दोस्तों देख सकते हैं साउथ में बहुत सारी दोस्तों कमाल की मूवीज़ है लेकिन कुछ ऐसी फिल्में हैं जिन्हें हम एक बार देख लेते हैं तो काफ़ी लंबे समय तक नहीं भूल पाते हैं और ऐसे ही कमाल की मूवी है कि जी आप चैप्टर टू जिसके बारे में आज हम बात करेंगे और दोस्तों आप भी अगर इस फिल्म को हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको मिलेंगी वो भी मैं आपको वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ साथ ही मैं आपको फ़िल्म के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आप नहीं जानते होंगे। वैसे दोस्तों फिल्म काफ़ी लाजवाब है इसके अंदर हमें काफ़ी तगड़ा एक्शन भी देखने को मिलता है और आप इसे हिंदी के अंदर भी देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म कीजिए आप चैप्टर टू के बारे में इससे पहले भी इस फिल्म का एक पार्ट आ चुका है अगर अभी तक तो आपने उसे नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए इस फिल्म का जो भोजपुरी वर्ज़न है वो यूट्यूब पर तो अवेलेबल है लेकिन वहाँ जाकर अगर आप देखते हैं तो आपको यही लगेगा कि आप हिंदी फिल्म ही देख रहे हैं बस कहने की भोजपुरी है और अब तक वहाँ पर 900 मिलियन व्यू मिले हैं इस मूवी को यानी कि नब्बे करोड़ लोग देख चुके हैं अब तक खैर दोस्तों बात करते हैं आगे इस फिल्म के बारे में तो इस मूवी के अंदर हमें क्राइम और एक्शन दोनों ही देखने को मिलेगा और इसका रन टाइम लगभग जो होगा वो पौने तीन घंटे के आसपास का है जो कि हमें दोस्तों बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाला है इसके अलावा दोस्तों इस फिल्म के अंदर हमें जो है एक अच्छी स्टोरी भी देखने को मिलेंगी और कहानी भी दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त थे इस फिल्म के अंदर जो है वो जिस तरह का एक्शन हमें दिखाया गया है वाकई लाजवाब है हर मूवी के अंदर कुछ ख़ास बात दोस्तों होती है और इस फिल्म के अंदर भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है यहाँ पर माँ और बेटे की जो कहानी है वो काफ़ी दिलदस्त है और इस फिल्म की जो आई एम डी बी रेटिंग है वो टेन आउट ऑफ एट पॉइंट टू की है और नाइन्टी फॉर प्रतिशत लोगों ने इसे लाइक किया है गूगल की तरफ से बाकी जो रॉट एंड टमेटोज़ है वहाँ पर लगभग पचास प्रतिशत लाइक मिले हैं लेकिन मेरा मानना ये है कि आप इस फिल्म को जब देखेंगे तो आप भी यही कहेंगे कि भाई वो रेटिंग ठीक नहीं है जो कि रॉट एंड टमेटोज़ की है इस फिल्म के जो डायरेक्टर है वो प्रशांत नील जो कि पहले भी सलार की जी अप चैप्टर वन ओग्रम ऐसी बहुत सी मूवीज़ बना चुके हैं और इनकी एक और मूवी आने वाली है एन टी आर थर्टी वन देखते हैं दोस्तों वो कैसी रहती है और क्या सा रिस्पॉन्स जो है उसे मिलता है अब बात करते हैं कीजिए आप चैप्टर टू के बारे में दरअसल दोस्तों आप इस फिल्म को हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये आप सभी को जो है वो हिंदी में फ्री में यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेंगी हालांकि पहला पार्ट जैसे कि मैंने आपको बताया भोजपुरी के अंदर यूट्यूब पर अवेलेबल है लेकिन अगर आपको दूसरे पार्ट को देखना है तो आपको जाना पड़ेगा Amazon प्राइम वीडियो पे जी हाँ दोस्तों आपको इस फिल्म का दूसरा पार्ट देखना है तो आपको Amazon प्राइम वीडियो पर जाना पड़ेगा जहाँ पर इस फिल्म का दूसरा पार्ट हिंदी के अंदर अवेलेबल है आप दूसरा से वहाँ पर देख सकते हैं एक तो रेंट पर लेकर या फिर आप अमेज़ोन प्राइम की जो सब्सक्रिप्शन है मेम्बरशिप वो भी ले सकते हैं यहाँ पर आपको हिंदी के अंदर ये देखने को मिलती है और अलग अलग हिंदी वर्जन है जैसे कि कुछ में डायलॉग बूस्ट किए गए हैं कुछ में डायलॉग मीडियम है तो ऐसे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं इस फिल्म का डायरेक्शन बहुत ही बढ़िया है और जो आप फिल्म से वहाँ पर ही शायद मतलब उनका जो स्टूडियो था वहाँ पर ही इस शायद इसे डब कराया होगा अगर हम फिल्म की बात करें तो फिल्म की स्टोरी भी दोस्तों काफ़ी लाजवाब है जो कि हमें पूरी तरह से एंगेज करके रखती है अगर आप लोगों ने इस फिल्म का दोस्तों पहला पार्ट देखा होगा तो आपको पता होगा कि कहानी कहाँ पर ख़त्म हुई थी और वहीं से दोस्तों इस मूवी की कहानी जारी की जाती है और फिर मूवी देखने में मज़ा आता है अगर कहानी की बात करूँ तो इसका हर एक डायलॉग काफ़ी बढ़िया है और ये एक छोटे से गांव में रह रही माँ की जीत की कहानी बताती है और उस जीत को पूरा करने के लिए रॉकी के सद तक जा सकता है वाकई के जी चैप्टर टू के निर्देशक प्रशांत नील और यश उसे वादे को पूरा करते हैं और इस बार चैप्टर टू के अंदर उसे और भी ज़्यादा भव्य विशाल और इमोशनल और एंटरटेनिंग बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है लगभग हम देखते हैं दोस्तों जब किसी फिल्म का पहला पार्ट आता है तो दूसरा पार्ट उतना कमाल नहीं कर पाता है लेकिन कुछ ही ऐसी मूवीज़ होती है जिसका दूसरा पार्ट जो होता है वो ऑडियंस का दिल जीत लेता है और वो कामयाब होता है जैसे कि धूम सीरीज आप देख लीजिए कीजिए आप सीरीज़ देख लीजिए और शायद सला रू भी शायद ऐसा ही कर सकती है वो भी एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म हो सकती है दूसरे भाग के अंदर हम देखते हैं कहानी जहाँ ख़त्म हुई थी वहाँ शुरू होती है अब यश ने गरुड़ा को मार कर जिया पर नया राज सुल्तान बन गया है उसे वहाँ के लोगों का बेानतहा प्यार मिलता है और उसी प्यार के बलबूते पर वे रॉकी को अपना खुदा मानते हैं यहाँ रॉकी आदि तूफान की तरह ही आगे बढ़ता जा रहा है और एक मंजिल फतह करने के बाद वे दूसरी मंजिल पर जीत हासिल कर जा करता है उसे कीजिए आपको सारा मतलब साना सोना चाहिए क्योंकि उसने अपनी माँ से वादा किया होता है कि जब वो मरेगा तो दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनकर मर बनकर मरेगा अब ऐसा यहाँ पर होता है या नहीं वो तो आप इस मूवी के अंदर देखेंगे बाकी दोस्तों फिल्म के अंदर जो है स्टोरी भी काफ़ी ज़बरदस्त है और जिस तरह से कहानी दोस्तों आगे बढ़ती है उसे देखने में काफ़ी मज़ा भी आता है पर्सनली मूवी तो मुझे काफ़ी दोस्तों बढ़िया लगी और इस फिल्म के अंदर हमें स्टोरी भी बहुत ही अच्छी देखने को मिली थी बाकी आप यश के फ़ैन हैं या फिर प्रसाद नल के फ़ैन हैं आप इस मूवी को जब देखेंगे तो आप दोनों के फ़ैन हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर ज़बरदस्त डायरेक्शन है और साथ ही में जो यश है इन्होंने बहुत ही तगड़ी एक्टिंग की है और नेगेटिव रोल के अंदर जो संजय दत्त है इन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया हुआ है जो कि आपको ज़रा भी निराश नहीं करेंगे तो कुल मिलाकर जो है वो एक ज़बरदस्त फिल्म है जिसे आप एक बार ज़रूर अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करिए ये मूवी अक्सर टी पर आती रहती है सोनी मैक्स पे तो आप चाहे तो इसे टी के ऊपर भी दोस्तों देख सकते हैं साउथ में बहुत सारी दोस्तों कमाल की मूवीज़ है लेकिन कुछ ऐसी फिल्में हैं जिन्हें हम एक बार देख लेते हैं तो काफ़ी लंबे समय तक नहीं भूल पाते हैं और ऐसी ही कमाल की मूवी है कि जी आप चैप्टर टू जिसके बारे में आज हम बात करेंगे और दोस्तों आप भी अगर इस फिल्म को हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको मिलेंगी वो भी मैं आपको वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ साथ ही मैं आपको फ़िल्म के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आप नहीं जानते होंगे। वैसे दोस्तों फिल्म काफ़ी लाजवाब है इसके अंदर हमें काफ़ी तगड़ा एक्शन भी देखने को मिलता है और आप इसे हिंदी के अंदर भी देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म के जी आप चैप्टर टू के बारे में इससे पहले भी इस फिल्म का एक पार्ट आ चुका है अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए इस फिल्म का जो भोजपुरी वर्ज़न है वो यूट्यूब पर तो अवेलेबल है लेकिन वहाँ जाकर अगर आप देखते हैं तो आपको यही लगेगा कि आप हिंदी फिल्म ही देख रहे हैं बस क्या की कि भोजपुरी है और अब तक वहाँ पर 900 मिलियन व्यू मिले हैं इस मूवी को यानी कि 90 करोड़ लोग देख चुके हैं अब तक खैर दोस्तों बात करते हैं आगे इस फ़िल्म के बारे में तो इस मूवी के अंदर हमें क्राइम और एक्शन दोनों ही देखने को मिलेगा और इसका रन टाइम लगभग जो होगा वो पौने तीन घंटे के आसपास का है जो कि हमें दोस्तों बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाला है इसके अलावा दोस्तों इस फिल्म के अंदर हमें जो है एक अच्छी स्टोरी भी देखने को मिलेंगी और कहानी भी दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त है इस फिल्म के अंदर जो है वो जिस तरह का एक्शन हमें दिखाया गया है वाकई लाजवाब है हर मूवी के अंदर कुछ ख़ास बात दोस्तों होती है और इस फिल्म के अंदर भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है यहाँ पर माँ और बेटे की जो कहानी है वो काफ़ी दिलचस्प है और इस फिल्म की जो आईएमडीबी रेटिंग है वो टेन आउट ऑफ एट पॉइंट टू की है और नाइन्टी फॉर प्रतिशत लोगों ने इसे लाइक किया है गूगल की तरफ से बाकी के जो रॉटेन टोमेटोज़ है वहाँ पर लगभग पचास प्रतिशत लाएक मिले हैं लेकिन मेरा मानना ये है कि आप इस फिल्म को जब देखेंगे तो आप भी यही कहेंगे कि भाई वो रेटिंग ठीक नहीं है जो कि रॉटेन टोमेटोज़ की है इस फिल्म के जो डायरेक्टर है वो प्रशांत नील जो कि पहले भी सलार की जी अब चैप्टर वन ओग्रम ऐसी बहुत सी मूवीज़ बना चुके हैं और इनकी एक और मूवी आने वाली है एन टी आर थर्टी वन देखते हैं दोस्तों वो कैसी रहती है और क्या सा रिस्पॉन्स जो है उसे मिलता है अब बात करते ही कीजिए आप चैप्टर टू के बारे में दरअसल दोस्तों आप इस फिल्म को हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये आप सभी को जो है वो हिंदी में फ्री में यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेंगी हालांकि पहला पार्ट जैसे कि मैंने आपको बताया भोजपुरी के अंदर यूट्यूब पर अवेलेबल है लेकिन अगर आपको दूसरे पार्ट को देखना है तो आपको जाना पड़ेगा एमेज़ोन प्राइम वीडियो पर जी हाँ दोस्तों आपको इस फिल्म का दूसरा पार्ट देखना है तो आपको अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर जाना पड़ेगा जहाँ पर इस फिल्म का दूसरा पार्ट हिंदी के अंदर अवेलेबल है आप दूसरा से वहाँ पर देख सकते हैं एक तो रेंट पर लेकर या फिर आप अमेज़ॉन प्राइम की जो सब्सक्रिप्शन है मेंबरशिप वो भी ले सकते हैं यहाँ पर आपको हिंदी के अंदर ये देखने को मिलती है और अलग अलग हिंदी वर्जन है जैसे कि कुछ में डायलॉग बूस्ट किए गए हैं कुछ मिडा डायलॉग मीडियम है तो ऐसे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं इस फिल्म का डायरेक्शन बहुत ही बढ़िया है और जो आप फिल्म से वहाँ पर इसे शायद मतलब उनका जो स्टूडियो था वहाँ पर ही इस शायद इसे डब कराया होगा अगर हम फिल्म की बात करें तो फ़िल्म की स्टोरी भी दोस्तों काफ़ी लाजवाब है जो कि हमें पूरी तरह से एंगेज करके रखती है अगर आप लोगों ने इस फिल्म का दोस्तों पहला पार्ट देखा होगा तो आपको पता होगा कि कहानी कहाँ पर ख़त्म हुई थी और वहीं से दोस्तों इस मूवी की कहानी जारी की जाती है और फिर मूवी देखने में मज़ा आता है अगर कहानी की बात करूँ तो इसका हर एक डायलॉग काफ़ी बढ़िया है और ये एक छोटे से गाँव में रह रही माँ की जीत की कहानी बताती है और उस जीत को पूरा करने के लिए रॉकी के सद तक जा सकता है वाकई के जी अब चैप्टर टू के निर्देशक प्रशांत नील और यश उसे वादे को पूरा करते हैं और इस बार चैप्टर टू के अंदर उसे और भी ज़्यादा भव्य विशाल और इमोशनल और एंटरटेनिंग बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है लगभग हम देखते हैं दोस्तों जब किसी फिल्म का पहला पार्ट आता है तो दूसरा पार्ट उतना कमाल नहीं कर पाता है लेकिन कुछ ही ऐसी मूवीज़ होती है जिसका दूसरा पार्ट जो होता है वो ऑडियंस का दिल जीत लेता है और वो कामयाब होता है जैसे कि धूम सीरीज आप देख लीजिए कीजिए आप सीरीज़ देख लीजिए और शायद सला रू भी शायद ऐसा ही कर सकती है वो भी एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म हो सकती है दूसरे भाग के अंदर हम देखते हैं कहानी जहाँ ख़त्म हुई थी वहाँ शुरू होती है अब यश ने गोड़ा को मार कर के जी पर नया राज सुल्तान बन गया है उसे वहाँ के लोगों का बे इनतहा प्यार मिलता है और उसी प्यार के बलबूते पर वे रॉकी को अपना खुदा मानते हैं यहाँ रॉकी आदि तूफान की तरह ही आगे बढ़ता जा रहा है और एक मंजिल फतह करने के बाद वे दूसरी मंजिल पर जीत हासिल कर जा करता है उसे कीजिए आपको सारा मतलब सोना चाहिए क्योंकि उसने अपनी माँ से वादा किया होता है कि जब वो मरेगा तो दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनकर मर बनकर मरेगा अब ऐसा यहाँ पर होता है या नहीं वो तो आप इस मूवी के अंदर देखेंगे बाकी दोस्तों फिल्म के अंदर जो है स्टोरी भी काफ़ी ज़बरदस्त है और जिस तरह से कहानी दोस्तों आगे बढ़ती है उसे देखने में काफ़ी मज़ा भी आता है पर्सनली मूवी तो मुझे काफ़ी दोस्तों बढ़िया लगी और इस फिल्म के अंदर हमें स्टोरी भी बहुत ही अच्छी देखने को मिली थी बाकी आप यश के फ़ैन हैं या फिर प्रसाद नील के फ़ैन हैं आप इस मूवी को जब देखेंगे तो आप दोनों के फ़ैन हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर ज़बरदस्त डायरेक्शन है और साथ ही में जो यश है इन्होंने बहुत ही तगड़ी एक्टिंग की है और नेगेटिव रोल के अंदर जो संजय दत्त है इन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया हुआ है जो कि आपको ज़रा भी निराश नहीं करेंगे तो कुल मिलाकर जो है वो एक ज़बरदस्त फिल्म है जिसे आप एक बार ज़रूर अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करिए ये मूवी अक्सर टी पर आती रहती है सोनी मैक्स पे तो आप चाहे तो इसे टी के ऊपर भी दोस्तों देख सकते हैं साउथ में बहुत सारी दोस्तों कमाल की मूवीज़ है लेकिन कुछ ऐसी फिल्में हैं जिन्हें हम एक बार देख लेते हैं तो काफ़ी लंबे समय तक नहीं भूल पाते हैं और ऐसी ही कमाल की मूवी है कि जी आप चैप्टर टू जिसके बारे में आज हम बात करेंगे और दोस्तों आप भी अगर इस फिल्म को हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको मिलेंगी वो भी मैं आपको वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ साथ ही मैं आपको फ़िल्म के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आप नहीं जानते होंगे। वैसे दोस्तों फ़िल्म काफ़ी लाजवाब है इसके अंदर हमें काफ़ी तगड़ा एक्शन भी देखने को मिलता है और आप इसे हिंदी के अंदर भी देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म के जी चैप्टर टू के बारे में इससे पहले भी इस फिल्म का एक पार्ट आ चुका है अगर अभी तक तो आपने उसे नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए इस फिल्म का जो भोजपुरी वर्ज़न है वो यूट्यूब पर तो अवेलेबल है लेकिन वहाँ जाकर अगर आप देखते हैं तो आपको यही लगेगा कि आप हिंदी फिल्म ही देख रहे हैं बस क्या नहीं कि भोजपुरी है और अब तक वहाँ पर 900 मिलियन व्यू मिले हैं इस मूवी को यानी कि 90 करोड़ लोग देख चुके हैं अब तक खैर दोस्तों बात करते हैं आगे इस फ़िल्म के बारे में तो इस मूवी के अंदर हमें क्राइम और एक्शन दोनों ही देखने को मिलेगा और इसका रन टाइम लगभग जो होगा वो पौने तीन घंटे के आसपास का है जो कि हमें दोस्तों बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाला है इसके अलावा दोस्तों इस फिल्म के अंदर हमें जो है एक अच्छी स्टोरी भी देखने को मिलेंगी और कहानी भी दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त है इस फिल्म के अंदर जो है वो जिस तरह का एक्शन हमें दिखाया गया है वाकई लाजवाब है हर मूवी के अंदर कुछ ख़ास बात दोस्तों होती है और इस फिल्म के अंदर भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है यहाँ पर माँ और बेटे की जो कहानी है वो काफ़ी दिलचस्प है और इस फिल्म की जो आई रेटिंग है वो टेन आउट ऑफ एट पॉइंट टू की है और नाइन्टी फॉर प्रतिशत लोगों ने इसे लाइक किया है गूगल की तरफ से बाकी के जो रॉटेन टमेटोज है वहाँ पर लगभग पचास प्रतिशत लाइक मिले हैं लेकिन मेरा मानना ये है कि आप इस फिल्म को जब देखेंगे तो आप भी यही कहेंगे कि भाई वो रेटिंग ठीक नहीं है जो कि रोटेन टमेटोज़ की है इस फिल्म के जो डायरेक्टर है वो प्रशांत नील जो कि पहले भी सलार की जी अब चैप्टर वन ओग्रम ऐसी बहुत सी मूवीज़ बना चुके हैं और इनकी एक और मूवी आने वाली है एन टी आर थर्टी वन देखते हैं दोस्तों वो कैसी रहती है और क्या सा रिस्पॉन्स जो है उसे मिलता है अब बात करते कि जी आप चैप्टर टू के बारे में दरअसल दोस्तों आप इस फिल्म को हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये आप सभी को जो है वो हिंदी में फ्री में यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेंगी हालांकि पहला पार्ट जैसे कि मैंने आपको बताया भोजपुरी के अंदर यूटूब पर अवेलेबल है लेकिन अगर आपको दूसरे पार्ट को देखना है तो आपको जाना पड़ेगा Amazon प्राइम वीडियो पे जी हाँ दोस्तों आपको इस फ़िल्म का दूसरा पार्ट देखना है तो आपको Amazon प्राइम वीडियो पर जाना पड़ेगा जहाँ पर इस फिल्म का दूसरा पार्ट हिंदी के अंदर अवेलेबल है आप दूसरा से वहाँ पर देख सकते हैं एक तो रेंट पर लेकर या फिर आप Amazon प्राइम की जो सब्सक्रिप्शन है मेम्बरशिप वो भी ले सकते हैं यहाँ पर आपको हिंदी के अंदर ये देखने को मिलती है और अलग अलग हिंदी वर्जन है जैसे कि कुछ में डायलॉग बूस्ट किए गए हैं कुछ में डायलॉग मीडियम है तो ऐसे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं इस फिल्म का डायरेक्शन बहुत ही बढ़िया है और जो आप फिल्म से वहाँ पर इसे शायद मतलब उनका जो स्टूडियो था वहाँ पर ही इस शायद इसे डब कराया होगा अगर हम फिल्म की बात करें तो फिल्म की स्टोरी भी दोस्तों काफ़ी लाजवाब है जो कि हमें पूरी तरह से एंगेज करके रखती है अगर आप लोगों ने इस फिल्म का दोस्तों पहला पार्ट देखा होगा तो आपको पता होगा कि कहानी कहाँ पर ख़त्म हुई थी और वहीं से दोस्तों इस मूवी की कहानी जारी की जाती है और फिर मूवी देखने में मज़ा आता है अगर कहानी की बात करूँ तो इसका हर एक डायलॉग काफ़ी बढ़िया है और ये एक छोटे से गांव में रह रही माँ की जीत की कहानी बताती है और उस जीत को पूरा करने के लिए रॉकी के सद तक जा सकता है वाकई के जी चैप्टर टू के निर्देशक प्रशांत नील और यश उसे वादे को पूरा करते हैं और इस बार चैप्टर टू के अंदर उसे और भी ज़्यादा भव्य विशाल और इमोशनल और एंटरटेनिंग बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है लगभग हम देखते हैं दोस्तों जब किसी फिल्म का पहला पार्ट आता है तो दूसरा पार्ट उतना कमाल नहीं कर पाता है लेकिन कुछ ही ऐसी मूवीज़ होती है जिसका दूसरा पार्ट जो होता है ऑडियंस का दिल जीत लेता है और वो कामयाब होता है जैसे कि धूम सीरीज आप देख लीजिए कीजिए आप सीरीज़ देख लीजिए और शायद सला रू भी शायद ऐसा ही कर सकती है वो भी एक बहुत ही बड़ी ब्लॉक फिल्म हो सकती है दूसरे भाग के अंदर हम देखते हैं कहानी जहाँ ख़त्म हुई थी वहाँ शुरू होती है अब यश ने गरुड़ा को मार करके जिया पर नया राज सुल्तान बन गया है उसे वहाँ के लोगों का बे इनतहा प्यार मिलता है और उसी प्यार के बलबूते पर वे रॉकी को अपना खुदा मानते हैं यहाँ रॉकी आदि तूफान की तरह ही आगे बढ़ता जा रहा है और एक मंजिल फतह करने के बाद वे दूसरी मंजिल पर जीत हासिल कर करता है उसे कीजिए आपको सारा मतलब साना सोना चाहिए क्योंकि उसने अपनी माँ से वादा किया होता है कि जब वो मरेगा तो दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनकर मर बनकर मरेगा अब ऐसा यहाँ पर होता है या नहीं वो तो आप इस मूवी के अंदर देखेंगे बाकी दोस्तों फिल्म के अंदर जो है स्टोरी भी काफ़ी ज़बरदस्त है और जिस तरह से कहानी दोस्तों आगे बढ़ती है उसे देखने में काफ़ी मज़ा भी आता है पर्सनली मूवी तो मुझे काफ़ी दोस्तों बढ़िया लगी और इस फिल्म के अंदर हमें स्टोरी भी बहुत ही अच्छी देखने को मिली थी बाकी आप यश के फ़ैन हैं या फिर प्रसाद नल के फ़ैन हैं आप इस मूवी को जब देखेंगे तो आप दोनों के फ़ैन हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर ज़बरदस्त डायरेक्शन है और साथ ही में जो यश है इन्होंने बहुत ही तगड़ी एक्टिंग की है और नेगेटिव रोल के अंदर जो संजय दत्त है इन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया हुआ है जो कि आपको ज़रा भी निराश नहीं करेंगे तो कुल मिलाकर जो है वो एक ज़बरदस्त फिल्म है जिसे आप एक बार जरूर अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करिए यह मूवी अक्सर टी पर आती रहती है सोनी मैक्स पे तो आप चाहे तो इसी टी के ऊपर भी दोस्तों देख सकते हैं साउथ में बहुत सारी दोस्तों कमाल की मूवीज़ है लेकिन कुछ ऐसी फिल्में हैं जिन्हें हम एक बार देख लेते हैं तो काफ़ी लंबे समय तक नहीं भूल पाते हैं और ऐसी ही कमाल की मूवी है कि जी आप चैप्टर टू जिसके बारे में आज हम बात करेंगे और दोस्तों आप भी अगर इस फिल्म को हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको मिलेंगी वो भी मैं आपको वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ साथ ही मैं आपको फ़िल्म के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊँगा जो आप नहीं जानते होंगे वैसे दोस्तों फिल्म काफ़ी लाजवाब है इसके अंदर हमें काफ़ी तगड़ा एक्शन भी देखने को मिलता है और आप इसे हिंदी के अंदर भी देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म के जी चैप्टर टू के बारे में इससे पहले भी इस फिल्म का एक पार्ट आ चुका है अगर अभी तक तो आपने उसे नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए इस फिल्म का जो भोजपुरी वर्ज़न है वो यूट्यूब पर तो अवेलेबल है लेकिन वहाँ जाकर अगर आप देखते हैं तो आपको यही लगेगा कि आप हिंदी फिल्म ही देख रहे हैं बस क्या नहीं कि भोजपुरी है और अब तक वहाँ पर 900 मिलियन व्यू मिले हैं इस मूवी को यानी कि 90 करोड़ लोग देख चुके हैं अब तक खैर दोस्तों बात करते हैं आगे इस फ़िल्म के बारे में तो इस मूवी के अंदर हमें क्राइम और एक्शन दोनों ही देखने को मिलेगा और इसका रन टाइम लगभग जो होगा वो पौने तीन घंटे के आसपास का है जो कि हमें दोस्तों बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाला है इसके अलावा दोस्तों इस फिल्म के अंदर हमें जो है एक अच्छी स्टोरी भी देखने को मिलेंगी और कहानी भी दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त है इस फिल्म के अंदर जो है वो जिस तरह का एक्शन हमें दिखाया गया है वाकई लाजवाब है हर मूवी के अंदर कुछ ख़ास बात दोस्तों होती है और इस फ़िल्म के अंदर भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है यहाँ पर माँ और बेटे की जो कहानी है वो काफ़ी दिलचस्प है और इस फिल्म की जो आई रेटिंग है वो टेन आउट ऑफ एट पॉइंट टू की है और नाइन्टी प्रतिशत लोगों ने इसे लाइक किया है गूगल की तरफ से बाकी जो रॉट एन टमेटोज़ है वहाँ पर लगभग पचास प्रतिशत लायक मिले हैं लेकिन मेरा मानना ये है कि आप इस फिल्म को जब देखेंगे तो आप भी यही कहेंगे कि भाई वो रेटिंग ठीक नहीं है जो कि रोटेन एन की है इस फिल्म के जो डायरेक्टर है वो प्रशांत नील जो कि पहले भी सलार की जी अप चैप्टर वन ओग्रम ऐसी बहुत सी मूवीज़ बना चुके हैं और इनकी एक और मूवी आने वाली है एन टी आर थर्टी वन देखते हैं दोस्तों वो कैसी रहती है और क्या सा रिस्पॉन्स जो है उसे मिलता है अब बात करते हैं जी आप चैप्टर टू के बारे में दरअसल दोस्तों आप इस फिल्म को हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये आप सभी को जो है वो हिंदी में फ्री में यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेंगी हालांकि पहला पार्ट जैसे कि मैंने आपको बताया भोजपुरी के अंदर यूटूब पर अवेलेबल है लेकिन अगर आपको दूसरे पार्ट को देखना है तो आपको जाना पड़ेगा Amazon प्राइम वीडियो पे जी हाँ दोस्तों आपको इस फिल्म का दूसरा पार्ट देखना है तो आपको Amazon प्राइम वीडियो पर जाना पड़ेगा जहाँ पर इस फ़िल्म का दूसरा पार्ट हिंदी के अंदर अवेलेबल है आप दूसरे से वहाँ पर देख सकते हैं एक तो रेंट पर लेकर या फिर आप अमेज़ोन प्राइम की जो सब्सक्रिप्शन है मेम्बरशिप वो भी ले सकते हैं यहाँ पर आपको हिंदी के अंदर ये देखने को मिलती है और अलग अलग हिंदी वर्जन है जैसे कि कुछ में डायलॉग बूस्ट किए गए हैं कुछ में डायलॉग मीडियम है तो ऐसे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं इस फिल्म का डायरेक्शन बहुत ही बढ़िया है और जो आप फिल्म से वहाँ पर इसे शायद मतलब उनका जो स्टूडियो था वहाँ पर ही इस शायद इसे डब कराया होगा अगर हम फिल्म, तो फिल्म की बात करें तो फ़िल्म की स्टोरी भी दोस्तों काफ़ी लाजवाब है जो कि हमें पूरी तरह से एंगेज करके रखती है अगर आप लोगों ने इस फिल्म का दोस्तों पहला पार्ट देखा होगा तो आपको पता होगा कि कहानी कहाँ पर ख़त्म हुई थी और वहीं से दोस्तों इस मूवी की कहानी जारी की जाती है और फिर मूवी देखने में मज़ा आता है अगर कहानी की बात करूँ तो इसका हर एक डायलॉग काफ़ी बढ़िया है और ये एक छोटे से गाँव में रह रही माँ की जीत की कहानी बताती है और उस जीत को पूरा करने के लिए रॉकी के सद तक जा सकता है वाकई के जी आप चैप्टर टू के निर्देशक प्रशांत नील और यश उसे वादे को पूरा करते हैं और इस बार चैप्टर टू के अंदर उसे और भी ज़्यादा भव्य विशाल और इमोशनल और एंटरटेनिंग बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है लगभग हम देखते हैं दोस्तों जब किसी फिल्म का पहला पार्ट आता है तो दूसरा पार्ट उतना कमाल नहीं कर पाता है लेकिन कुछ ही ऐसी मूवीज़ होती है जिसका दूसरा पार्ट जो होता है वो ऑडियंस का दिल जीत लेता है और वो कामयाब होता है जैसे कि धूम सीरीज आप देख लीजिए कीजिए आप सीरीज़ देख लीजिए और शायद सलार टू भी शायद ऐसा ही कर सकती है वो भी एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबास्टर फिल्म हो सकती है दूसरे भाग के अंदर हम देखते हैं कहानी जहाँ ख़त्म हुई थी वहाँ शुरू होती है अब यश ने गरुड़ा को मार करके जिया पर नया राज सुल्तान बन गया है उसे वहाँ के लोगों का बे प्यार मिलता है और उसी प्यार के बलबूते पर वे रॉकी को अपना खुदा मानते हैं यहाँ रॉकी आदि तूफान की तरह ही आगे बढ़ता जा रहा है और एक मंजिल फतह करने के बाद वे दूसरी मंजिल पर जीत हासिल कर करता है उसे के जी आपको सारा मतलब साना सोना चाहिए क्योंकि उसने अपनी माँ से वादा किया होता है कि जब वो मरेगा तो दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनकर मर बनकर मरेगा अब ऐसा यहाँ पर होता है या नहीं वो तो आप इस मूवी के अंदर देखेंगे बाकी दोस्तों फिल्म के अंदर जो है स्टोरी भी काफ़ी ज़बरदस्त है और जिस तरह से कहानी दोस्तों आगे बढ़ती है उसे देखने में काफ़ी मज़ा भी आता है पर्सनली मूवी तो मुझे काफ़ी दोस्तों बढ़िया लगी और इस फिल्म के अंदर हमें स्टोरी भी बहुत ही अच्छी देखने को मिली थी बाकी आप यश के फ़ैन हैं या फिर प्रसाद नल के फ़ैन हैं आप इस मूवी को जब देखेंगे तो आप दोनों के फ़ैन हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर ज़बरदस्त डायरेक्शन है और साथ ही में जो यश है इन्होंने बहुत ही तगड़ी एक्टिंग की है और नेगेटिव रोल के अंदर जो संजय दत्त है इन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया हुआ है जो कि आपको ज़रा भी निराश नहीं करेंगे तो कुल मिलाकर जो है वो एक जबरदस्त फिल्म है जिसे आप एक बार जरूर अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करिए ये मूवी अक्सर टीवी पर आती रहती है सोनी मैक्स पे तो आप चाहे तो इसी टीवी के ऊपर भी दोस्तों देख सकते हैं साउथ में बहुत सारी दोस्तों कमाल की मूवीज़ है लेकिन कुछ ऐसी फिल्में हैं जिन्हें हम एक बार देख लेते हैं तो काफ़ी लंबे समय तक नहीं भूल पाते हैं और ऐसी ही कमाल की मूवी है कि जी आप चैप्टर टू जिसके बारे में आज हम बात करेंगे और दोस्तों आप भी अगर इस फिल्म को हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको मिलेंगी वो भी मैं आपको वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ साथ ही मैं आपको फ़िल्म के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊँगा जो आप नहीं जानते होंगे वैसे दोस्तों फ़िल्म काफ़ी लाजवाब है इसके अंदर हमें काफ़ी तगड़ा एक्शन भी देखने को मिलता है और आप इसे हिंदी के अंदर भी देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म के जी चैप्टर टू के बारे में इससे पहले भी इस फिल्म का एक पार्ट आ चुका है अगर अभी तक तो आपने उसे नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए इस फिल्म का जो भोजपुरी वर्ज़न है वो यूट्यूब पर तो अवेलेबल है लेकिन वहाँ जाकर अगर आप देखते हैं तो आपको यही लगेगा कि आप हिंदी फिल्म ही देख रहे हैं बस क्या नहीं कि भोजपुरी है और अब तक वहाँ पर 900 मिलियन व्यू मिले हैं इस मूवी को यानी कि 90 करोड़ लोग देख चुके हैं अब तक खैर दोस्तों बात करते हैं आगे इस फ़िल्म के बारे में तो इस मूवी के अंदर हमें क्राइम और एक्शन दोनों ही देखने को मिलेगा और इसका रन टाइम लगभग जो होगा वो पौने तीन घंटे के आसपास का है जो कि हमें दोस्तों बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाला है इसके अलावा दोस्तों इस फिल्म के अंदर हमें जो है एक अच्छी स्टोरी भी देखने को मिलेंगी और कहानी भी दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त है इस फिल्म के अंदर जो है वो जिस तरह का एक्शन हमें दिखाया गया है वाकई लाजवाब है हर मूवी के अंदर कुछ ख़ास बात दोस्तों होती है और इस फिल्म के अंदर भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है यहाँ पर माँ और बेटे की जो कहानी है वो काफ़ी दिलचस्प है और इस फिल्म की जो आई रेटिंग है वो टेन आउट ऑफ एट पॉइंट टू की है और नाइन्टी फॉर प्रतिशत लोगों ने इसे लाइक किया है गूगल की तरफ से बाकी जो रॉट एंड टमेटोज़ है वहाँ पर लगभग पचास प्रतिशत लायक मिले हैं लेकिन मेरा मानना ये है कि आप इस फिल्म को जब देखेंगे तो आप भी यही कहेंगे कि भाई वो रेटिंग ठीक नहीं है जो कि रॉट एंड की है इस फिल्म के जो डायरेक्टर है वो प्रशांत नील जो कि पहले भी सलार की जी अप चैप्टर वन ओग्रम ऐसी बहुत सी मूवीज़ बना चुके हैं और इनकी एक और मूवी आने वाली है एन टी आर थर्टी वन देखते हैं दोस्तों वो कैसी रहती है और क्या रिस्पॉन्स जो है उसे मिलता है अब बात करते हैं कीजिए आप चैप्टर टू के बारे में दरअसल दोस्तों आप इस फिल्म को हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये आप सभी को जो है वो हिंदी में फ्री में यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेंगी हालांकि पहला पार्ट जैसे कि मैंने आपको बताया भोजपुरी के अंदर यूट्यूब पर अवेलेबल है लेकिन अगर आपको दूसरे पार्ट को देखना है तो आपको जाना पड़ेगा Amazon प्राइम वीडियो पे जी हाँ दोस्तों आपको इस फिल्म का दूसरा पार्ट देखना है तो आपको Amazon प्राइम वीडियो पर जाना पड़ेगा जहाँ पर इस फिल्म का दूसरा पार्ट हिंदी के अंदर अवेलेबल है आप दूसरा से वहाँ पर देख सकते हैं एक तो रेंट पर लेकर या फिर आप Amazon प्राइम की जो सब्सक्रिप्शन है मेम्बरशिप वो भी ले सकते हैं यहाँ पर आपको हिंदी के अंदर ये देखने को मिलती है और अलग अलग हिंदी वर्जन है जैसे कि कुछ में डायलॉग बूस्ट किए गए हैं कुछ में डायलॉग मीडियम है तो ऐसे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं इस फिल्म का डायरेक्शन बहुत ही बढ़िया है और जो आप फिल्म से वहाँ पर ही शायद मतलब उनका जो स्टूडियो था वहाँ पर ही शायद इसे डब कराया होगा अगर हम फिल्म की बात करें तो फ़िल्म की स्टोरी भी दोस्तों काफ़ी लाजवाब है जो कि हमें पूरी तरह से एंगेज करके रखती है अगर आप लोगों ने इस फिल्म का दोस्तों पहला पार्ट देखा होगा तो आपको पता होगा कि कहानी कहाँ पर ख़त्म हुई थी और वहीं से दोस्तों इस मूवी की कहानी जारी की जाती है और फिर मूवी देखने में मज़ा आता है अगर कहानी की बात करूँ तो इसका हर एक डायलॉग काफ़ी बढ़िया है और ये एक छोटे से गाँव में रह रही माँ की जीत की कहानी बताती है और उस जीत को पूरा करने के लिए रॉकी के सद तक जा सकता है वाकई के जी एफ चैप्टर टू के निर्देशक प्रशांत नील और यश उसे वादे को पूरा करते हैं और इस बार चैप्टर टू के अंदर उसे और भी ज़्यादा भव्य विशाल और इमोशनल और एंटरटेनिंग बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है लगभग हम देखते हैं दोस्तों जब किसी फिल्म का पहला पार्ट आता है तो दूसरा पार्ट उतना कमाल नहीं कर पाता है लेकिन कुछ ही ऐसी मूवीज़ होती है जिसका दूसरा पार्ट जो होता है वो ऑडियंस का दिल जीत लेता है और वह कामयाब होता है जैसे कि धूम सीरीज आप देख लीजिए कीजिए आप सीरीज़ देख लीजिए और शायद सलार टू भी शायद ऐसा ही कर सकती है वो भी एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म हो सकती है दूसरे भाग के अंदर हम देखते हैं कहानी जहाँ ख़त्म हुई थी वहाँ शुरू होती है अब यश ने गरुड़ा को मार करके जिया पर नया राज सुल्तान बन गया है उसे वहाँ के लोगों का बेानतहा प्यार मिलता है और उसी प्यार के बलबूते पर वे रॉकी को अपना खुदा मानते हैं यहाँ रॉकी आदि तूफान की तरह ही आगे बढ़ता जा रहा है और एक मंजिल फतह करने के बाद वे दूसरी मंजिल पर जीत हासिल कर जा करता है उसे कीजिए आपको सारा मतलब साना सोना चाहिए क्योंकि उसने अपनी माँ से वादा किया होता है कि जब वो मरेगा तो दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनकर मर बनकर मरेगा अब ऐसा यहाँ पर होता है या नहीं वो तो आप इस मूवी के अंदर देखेंगे बाकी दोस्तों फिल्म के अंदर जो है स्टोरी भी काफ़ी ज़बरदस्त है और जिस तरह से कहानी दोस्तों आगे बढ़ती है उसे देखने में काफ़ी मज़ा भी आता है पर्सनली मूवी तो मुझे काफ़ी दोस्तों बढ़िया लगी और इस फिल्म के अंदर हमें स्टोरी भी बहुत ही अच्छी देखने को मिली थी बाकी आप यश के फ़ैन हैं या फिर प्रशांत नल के फ़ैन हैं आप इस मूवी को जब देखेंगे तो आप दोनों के फ़ैन हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर ज़बरदस्त डायरेक्शन है और साथ ही में जो यश है इन्होंने बहुत ही तगड़ी एक्टिंग की है और नेगेटिव रोल के अंदर जो संजय दत्त है इन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया हुआ है जो कि आपको ज़रा भी निराश नहीं करेंगे तो कुल मिलाकर जो है वो एक ज़बरदस्त फिल्म है जिसे आप एक बार जरूर अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करिए ये मूवी अक्सर टीवी पर आती रहती है सोनी मैक्स पे तो आप चाहे तो इसी टीवी के ऊपर भी दोस्तों देख सकते हैं साउथ में बहुत सारी दोस्तों कमाल की मूवीज़ है लेकिन कुछ ऐसी फिल्में हैं जिन्हें हम एक बार देख लेते हैं तो काफ़ी लंबे समय तक नहीं भूल पाते हैं और ऐसी ही कमाल की मूवी है कि जी आप चैप्टर टू जिसके बारे में आज हम बात करेंगे और दोस्तों आप भी अगर इस फिल्म को हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको मिलेंगी वो भी मैं आपको वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ साथ ही मैं आपको फ़िल्म के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊँगा जो आप नहीं जानते होंगे वैसे दोस्तों फिल्म काफ़ी लाजवाब है इसके अंदर हमें काफ़ी तगड़ा एक्शन भी देखने को मिलता है और आप इसे हिंदी के अंदर भी देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म के जीए चैप्टर टू के बारे में इससे पहले भी इस फिल्म का एक पार्ट आ चुका है अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए इस फिल्म का जो भोजपुरी वर्ज़न है वो यूट्यूब पर तो अवेलेबल है लेकिन वहाँ जाकर अगर आप देखते हैं तो आपको यही लगेगा कि आप हिंदी फिल्म ही देख रहे हैं बस क्या नहीं कि भोजपुरी है और अब तक वहाँ पर 900 मिलियन व्यू मिले हैं इस मूवी को यानी कि 90 करोड़ लोग देख चुके हैं अब तक खैर दोस्तों बात करते हैं आगे इस फ़िल्म के बारे में तो इस मूवी के अंदर हमें क्राइम और एक्शन दोनों ही देखने को मिलेगा और इसका रन टाइम लगभग जो होगा वो पौने तीन घंटे के आसपास का है जो कि हमें दोस्तों बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाला है इसके अलावा दोस्तों इस फिल्म के अंदर हमें जो है एक अच्छी स्टोरी भी देखने को मिलेंगी और कहानी भी दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त है इस फिल्म के अंदर जो है वो जिस तरह का एक्शन हमें दिखाया गया है वाकई लाजवाब है हर मूवी के अंदर कुछ ख़ास बात दोस्तों होती है और इस फिल्म के अंदर भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है यहाँ पर माँ और बेटे की जो कहानी है वो काफ़ी दिलचस्त है और इस फिल्म की जो आई रेटिंग है वो टेन आउट ऑफ एट पॉइंट टू की है और नाइन्टी प्रतिशत लोगों ने इसे लाइक किया है गूगल की तरफ से बाकी जो रॉट एंड टमेटोज़ है वहाँ पर लगभग पचास प्रतिशत लायक मिले हैं लेकिन मेरा मानना ये है कि आप इस फिल्म को जब देखेंगे तो आप भी यही कहेंगे कि भाई वो रेटिंग ठीक नहीं है जो कि रॉट एंड टमेटोज़ की है इस फिल्म के जो डायरेक्टर है वो प्रशांत नील जो कि पहले भी सलार की जी अप चैप्टर वन ओग्रम ऐसी बहुत सी मूवीज़ बना चुके हैं और इनकी एक और मूवी आने वाली है एन टी आर थर्टी वन देखते हैं दोस्तों वो कैसी रहती है और क्या सा रिस्पॉन्स जो है उसे मिलता है अब बात करते हैं कीजिए आप चैप्टर टू के बारे में दरअसल दोस्तों आप इस फिल्म को हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये आप सभी को जो है वो हिंदी में फ्री में यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेंगी हालांकि पहला पार्ट जैसे कि मैंने आपको बताया भोजपुरी के अंदर यूट्यूब पर अवेलेबल है लेकिन अगर आपको दूसरे पार्ट को देखना है तो आपको जाना पड़ेगा Amazon प्राइम वीडियो पे जी हाँ दोस्तों आपको इस फिल्म का दूसरा पार्ट देखना है तो आपको Amazon प्राइम वीडियो पर जाना पड़ेगा जहाँ पर इस फ़िल्म का दूसरा पार्ट हिंदी के अंदर अवेलेबल है आप दूसरा से वहाँ पर देख सकते हैं एक तो रेंट पर लेकर या फिर आप अमेज़ॉन प्राइम की जो सब्सक्रिप्शन है मेंबरशिप वो भी ले सकते हैं यहाँ पर आपको हिंदी के अंदर ये देखने को मिलती है और अलग अलग हिंदी वर्जन है जैसे कि कुछ में डायलॉग बूस्ट किए गए हैं कुछ में डायलॉग मीडियम है तो ऐसे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं इस फिल्म का डायरेक्शन बहुत ही बढ़िया है और जो आप फिल्म से वहाँ पर इसे शायद मतलब उनका जो स्टूडियो था वहाँ पर ही शायद इसे डब कराया होगा अगर हम फिल्म की बात करें तो फ़िल्म की स्टोरी भी दोस्तों काफ़ी लाजवाब है जो कि हमें पूरी तरह से एंगेज करके रखती है अगर आप लोगों ने इस फिल्म का दोस्तों पहला पार्ट देखा होगा तो आपको पता होगा कि कहानी कहाँ पर ख़त्म हुई थी और वहीं से दोस्तों इस मूवी की कहानी जारी की जाती है और फिर मूवी देखने में मज़ा आता है अगर कहानी की बात करूँ तो इसका हर एक डायलॉग काफ़ी बढ़िया है और ये एक छोटे से गाँव में रह रही माँ की जीत की कहानी बताती है और उस जीत को पूरा करने के लिए रॉकी के सद तक जा सकता है वाकई के जी आप चैप्टर टू के निर्देशक प्रशांत नील और यश उसे वादे को पूरा करते हैं और इस बार चैप्टर टू के अंदर उसे और भी ज़्यादा भव्य विशाल और इमोशनल और एंटरटेनिंग बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है लगभग हम देखते हैं दोस्तों जब किसी फिल्म का पहला पार्ट आता है तो दूसरा पार्ट उतना कमाल नहीं कर पाता है लेकिन कुछ ही ऐसी मूवीज़ होती है जिसका दूसरा पार्ट जो होता है वो ऑडियंस का दिल जीत लेता है और वो कामयाब होता है जैसे कि धूम सीरीज आप देख लीजिए कीजिए आप सीरीज़ देख लीजिए और शायद सलाार टू भी शायद ऐसा ही कर सकती है वो भी एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म हो सकती है दूसरे भाग के अंदर हम देखते हैं कहानी जहाँ ख़त्म हुई थी वहाँ शुरू होती है अब यश ने गरुड़ा को मार मारकर जिया पर नया राज सुल्तान बन गया है उसे वहाँ के लोगों का बेानतहा प्यार मिलता है और उसी प्यार के बलबूते पर वे रॉकी को अपना खुदा मानते हैं यहाँ रॉकी आदि तूफान की तरह ही आगे बढ़ता जा रहा है और एक मंजिल फतह करने के बाद वे दूसरी मंजिल पर जीत हासिल कर जा करता है उसे कीजिए आपको सारा मतलब साना सोना चाहिए क्योंकि उसने अपनी माँ से वादा किया होता है कि जब वो मरेगा तो दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनकर मर बनकर मरेगा अब ऐसा यहाँ पर होता है या नहीं वो तो आप इस मूवी के अंदर देखेंगे बाकी दोस्तों फिल्म के अंदर जो है स्टोरी भी काफ़ी ज़बरदस्त है और जिस तरह से कहानी दोस्तों आगे बढ़ती है उसे देखने में काफ़ी मज़ा भी आता है पर्सनली मूवी तो मुझे काफ़ी दोस्तों बढ़िया लगी और इस फिल्म के अंदर हमें स्टोरी भी बहुत ही अच्छी देखने को मिली थी बाकी आप यश के फ़ैन हैं या फिर प्रसाद नल के फ़ैन हैं आप इस मूवी को जब देखेंगे तो आप दोनों के फ़ैन हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर ज़बरदस्त डायरेक्शन है और साथ ही में जो यश है इन्होंने बहुत ही तगड़ी एक्टिंग की है और नेगेटिव रोल के अंदर जो संजय दत्त है इन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया हुआ है जो कि आपको ज़रा भी निराश नहीं करेंगे तो कुल मिलाकर जो है वो एक ज़बरदस्त फिल्म है जिसे आप एक बार ज़रूर अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करिए ये मूवी अक्सर टी पर आती रहती है सोनी मैक्स पे तो आप चाहे तो इसी टी के ऊपर भी दोस्तों देख सकते हैं साउथ में बहुत सारी दोस्तों कमाल की मूवीज़ है लेकिन कुछ ऐसी फिल्में हैं जिन्हें हम एक बार देख लेते हैं तो काफ़ी लंबे समय तक नहीं भूल पाते हैं और ऐसे ही कमाल की मूवी है कि जी आप चैप्टर टू जिसके बारे में आज हम बात करेंगे और दोस्तों आप भी अगर इस फिल्म को हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको मिलेंगी वो भी मैं आपको वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ साथ ही मैं आपको फ़िल्म के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊँगा जो आप नहीं जानते होंगे वैसे दोस्तों फिल्म काफ़ी लाजवाब है इसके अंदर हमें काफ़ी तगड़ा एक्शन भी देखने को मिलता है और आप इसे हिंदी के अंदर भी देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म के जी आप चैप्टर टू के बारे में इससे पहले भी इस फिल्म का एक पार्ट आ चुका है अगर अभी तक तो आपने उसे नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए इस फिल्म का जो भोजपुरी वर्ज़न है वो यूट्यूब पर तो अवेलेबल है लेकिन वहाँ जाकर अगर आप देखते हैं तो आपको यही लगेगा कि आप हिंदी फिल्म ही देख रहे हैं बस क्या की कि भोजपुरी है और अब तक वहाँ पर 900 मिलियन व्यू मिले हैं इस मूवी को यानी कि 90 करोड़ लोग देख चुके हैं अब तक खैर दोस्तों बात करते हैं आगे इस फ़िल्म के बारे में तो इस मूवी के अंदर हमें क्राइम और एक्शन दोनों ही देखने को मिलेगा और इसका रन टाइम लगभग जो होगा वो पौने तीन घंटे के आसपास का है जो कि हमें दोस्तों बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाला है इसके अलावा दोस्तों इस फिल्म के अंदर हमें जो है एक अच्छी स्टोरी भी देखने को मिलेंगी और कहानी भी दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त है इस फिल्म के अंदर जो है वो जिस तरह का एक्शन हमें दिखाया गया है वाकई लाजवाब है हर मूवी के अंदर कुछ ख़ास बात दोस्तों होती है और इस फिल्म के अंदर भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है यहाँ पर माँ और बेटे की जो कहानी है वो काफ़ी दिलचस्प है और इस फिल्म की जो आईएमडीबी रेटिंग है वो 10 आउट ऑफ एट पॉइंट टू की है और नाइन्टी प्रतिशत लोगों ने इसे लाइक किया है गूगल की तरफ से बाकी जो रॉट एंड टमेटोज़ है वहाँ पर लगभग पचास प्रतिशत लायक मिले हैं लेकिन मेरा मानना ये है कि आप इस फिल्म को जब देखेंगे तो आप भी यही कहेंगे कि भाई वो रेटिंग ठीक नहीं है जो कि रॉट एंड टमेटोज़ की है इस फिल्म के जो डायरेक्टर है वो प्रशांत नील जो कि पहले भी सलार की जी अप चैप्टर वन ओग्रम ऐसी बहुत सी मूवीज़ बना चुके हैं और इनकी एक और मूवी आने वाली है एन टी आर थर्टी वन देखते हैं दोस्तों वो कैसी रहती है और क्या सा रिस्पॉन्स जो है उसे मिलता है अब बात करते हैं कीजिए आप चैप्टर टू के बारे में दरअसल दोस्तों आप इस फिल्म को हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये आप सभी को जो है वो हिंदी में फ्री में यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेंगी हालांकि पहला पार्ट जैसे कि मैंने आपको बताया भोजपुरी के अंदर यूट्यूब पर अवेलेबल है लेकिन अगर आपको दूसरे पार्ट को देखना है तो आपको जाना पड़ेगा Amazon प्राइम वीडियो पे जी हाँ दोस्तों आपको इस फिल्म का दूसरा पार्ट देखना है तो आपको Amazon प्राइम वीडियो पर जाना पड़ेगा जहाँ पर इस फिल्म का दूसरा पार्ट हिंदी के अंदर अवेलेबल है आप दूसरा से वहाँ पर देख सकते हैं एक तो रेंट पर लेकर या फिर आप अमेज़ॉन प्राइम की जो सब्सक्रिप्शन है मेंबरशिप वो भी ले सकते हैं यहाँ पर आपको हिंदी के अंदर ये देखने को मिलती है और अलग अलग हिंदी वर्जन है जैसे कि कुछ में डायलॉग बूस्ट किए गए हैं कुछ में डायलॉग मीडियम है तो ऐसे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं इस फिल्म का डायरेक्शन बहुत ही बढ़िया है और जो आप फिल्म से वहाँ पर इसे शायद मतलब उनका जो स्टूडियो था वहाँ पर ही इस शायद इसे डब कराया होगा अगर हम फिल्म की बात करें तो फ़िल्म की स्टोरी भी दोस्तों काफ़ी लाजवाब है जो कि हमें पूरी तरह से एंगेज करके रखती है अगर आप लोगों ने इस फिल्म का दोस्तों पहला पार्ट देखा होगा तो आपको पता होगा कि कहानी कहाँ पर ख़त्म हुई थी और वहीं से दोस्तों इस मूवी की कहानी जारी की जाती है और फिर मूवी देखने में मज़ा आता है अगर कहानी की बात करूँ तो इसका हर एक डायलॉग काफ़ी बढ़िया है और ये एक छोटे से गाँव में रह रही माँ की जीत की कहानी बताती है और उस जीत को पूरा करने के लिए रॉकी के सद तक जा सकता है वाकई के जी चैप्टर टू के निर्देशक प्रशांत नील और यश उसे वादे को पूरा करते हैं और इस बार चैप्टर टू के अंदर उसे और भी ज़्यादा भव्य विशाल और इमोशनल और एंटरटेनिंग बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है लगभग हम देखते हैं दोस्तों जब किसी फिल्म का पहला पार्ट आता है तो दूसरा पार्ट उतना कमाल नहीं कर पाता है लेकिन कुछ ही ऐसी मूवीज़ होती है जिसका दूसरा पार्ट जो होता है वह ऑडियंस का दिल जीत लेता है और वह कामयाब होता है जैसे कि धूम सीरीज आप देख लीजिए कीजिए आप सीरीज़ देख लीजिए और शायद सलार टू भी शायद ऐसा ही कर सकती है वो भी एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म हो सकती है दूसरे भाग के अंदर हम देखते हैं कहानी जहाँ ख़त्म हुई थी वहाँ शुरू होती है अब यश ने गरुड़ा को मार कर जिया पर नया राज सुल्तान बन गया है उसे वहाँ के लोगों का बेानतहा प्यार मिलता है और उसी प्यार के बलबूते पर वे रॉकी को अपना खुदा मानते हैं यहाँ रॉकी आदि तूफान की तरह ही आगे बढ़ता जा रहा है और एक मंजिल फतह करने के बाद वे दूसरी मंजिल पर जीत हासिल कर जा करता है उसे कीजिए आपको सारा मतलब साना सोना चाहिए क्योंकि उसने अपनी माँ से वादा किया होता है कि जब वो मरेगा तो दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनकर मर बनकर मरेगा अब ऐसा यहाँ पर होता है या नहीं वो तो आप इस मूवी के अंदर देखेंगे बाकी दोस्तों फिल्म के अंदर जो है स्टोरी भी काफ़ी ज़बरदस्त है और जिस तरह से कहानी दोस्तों आगे बढ़ती है उसे देखने में काफ़ी मज़ा भी आता है पर्सनली मूवी तो मुझे काफ़ी दोस्तों बढ़िया लगी और इस फिल्म के अंदर हमें स्टोरी भी बहुत ही अच्छी देखने को मिली थी बाकी आप यश के फ़ैन हैं या फिर प्रसाद नल के फ़ैन हैं आप इस मूवी को जब देखेंगे तो आप दोनों के फ़ैन हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर ज़बरदस्त डायरेक्शन है और साथ ही में जो यश है इन्होंने बहुत ही तगड़ी एक्टिंग की है और नेगेटिव रोल के अंदर जो संजय दत्त है इन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया हुआ है जो कि आपको ज़रा भी निराश नहीं करेंगे तो कुल मिलाकर जो है वो एक ज़बरदस्त फिल्म है जिसे आप एक बार ज़रूर अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करिए ये मूवी अक्सर टी पर आती रहती है सोनी मैक्स पे तो आप चाहे तो इसी टी के ऊपर भी दोस्तों देख सकते हैं साउथ में बहुत सारी दोस्तों कमाल की मूवीज़ है लेकिन कुछ ऐसी फिल्में हैं जिन्हें हम एक बार देख लेते हैं तो काफ़ी लंबे समय तक नहीं भूल पाते हैं और ऐसे ही कमाल की मूवी है कि जी आप चैप्टर टू जिसके बारे में आज हम बात करेंगे और दोस्तों आप भी अगर इस फिल्म को हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको मिलेंगी वो भी मैं आपको वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ साथ ही मैं आपको फ़िल्म के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊँगा जो आप नहीं जानते होंगे वैसे दोस्तों फिल्म काफ़ी लाजवाब है इसके अंदर हमें काफ़ी तगड़ा एक्शन भी देखने को मिलता है और आप इसे हिंदी के अंदर भी देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म के जी आप चैप्टर टू के बारे में इससे पहले भी इस फिल्म का एक पार्ट आ चुका है अगर अभी तक तो आपने उसे नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए इस फिल्म का जो भोजपुरी वर्ज़न है वो यूट्यूब पर तो अवेलेबल है लेकिन वहाँ जाकर अगर आप देखते हैं तो आपको यही लगेगा कि आप हिंदी फिल्म ही देख रहे हैं बस क्या की कि भोजपुरी है और अब तक वहाँ पर 900 मिलियन व्यू मिले हैं इस मूवी को यानी कि 90 करोड़ लोग देख चुके हैं अब तक खैर दोस्तों बात करते हैं आगे इस फ़िल्म के बारे में तो इस मूवी के अंदर हमें क्राइम और एक्शन दोनों ही देखने को मिलेगा और इसका रन टाइम लगभग जो होगा वो पौने तीन घंटे के आसपास का है जो कि हमें दोस्तों बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाला है इसके अलावा दोस्तों इस फिल्म के अंदर हमें जो है एक अच्छी स्टोरी भी देखने को मिलेंगी और कहानी भी दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त है इस फिल्म के अंदर जो है वो जिस तरह का एक्शन हमें दिखाया गया है वाकई लाजवाब है हर मूवी के अंदर कुछ ख़ास बात दोस्तों होती है और इस फिल्म के अंदर भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है यहाँ पर माँ और बेटे की जो कहानी है वो काफ़ी दिलचस्प है और इस फिल्म की जो आईएमडीबी रेटिंग है वो 10 आउट ऑफ एट पॉइंट टू की है और नाइन्टी प्रतिशत लोगों ने इसे लाइक किया है गूगल की तरफ से बाकी जो रॉट एंड टमेटोज़ है वहाँ पर लगभग पचास प्रतिशत लायक मिले हैं लेकिन मेरा मानना ये है कि आप इस फिल्म को जब देखेंगे तो आप भी यही कहेंगे कि भाई वो रेटिंग ठीक नहीं है जो कि रॉट एंड टमेटोज़ की है इस फिल्म के जो डायरेक्टर है वो प्रशांत नील जो कि पहले भी सलार की जी अप चैप्टर वन ओग्रम ऐसी बहुत सी मूवीज़ बना चुके हैं और इनकी एक और मूवी आने वाली है एन टी देखते हैं दोस्तों वो कैसी रहती है और क्या सा रिस्पॉन्स जो है उसे मिलता है अब बात करते हैं कीजिए आप चैप्टर टू के बारे में दरअसल दोस्तों आप इस फिल्म को हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये आप सभी को जो है वो हिंदी में फ्री में यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेंगी हालांकि पहला पार्ट जैसे कि मैंने आपको बताया भोजपुरी के अंदर यूट्यूब पर अवेलेबल है लेकिन अगर आपको दूसरे पार्ट को देखना है तो आपको जाना पड़ेगा Amazon प्राइम वीडियो पे जी हाँ दोस्तों आपको इस फिल्म का दूसरा पार्ट देखना है तो आपको Amazon प्राइम वीडियो पर जाना पड़ेगा जहाँ पर इस फिल्म का दूसरा पार्ट हिंदी के अंदर अवेलेबल है आप दूसरा से वहाँ पर देख सकते हैं एक तो रेंट पर लेकर या फिर आप अमेज़ोन प्राइम की जो सब्सक्रिप्शन है मेम्बरशिप वो भी ले सकते हैं यहाँ पर आपको हिंदी के अंदर ये देखने को मिलती है और अलग अलग हिंदी वर्जन है जैसे कि कुछ में डायलॉग बूस्ट किए गए हैं कुछ में डायलॉग मीडियम है तो ऐसे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं इस फिल्म का डायरेक्शन बहुत ही बढ़िया है और जो आप फिल्म से वहाँ पर इसे शायद मतलब उनका जो स्टूडियो था वहाँ पर ही इस शायद इसे डब कराया होगा अगर हम फिल्म की बात करें तो फिल्म की स्टोरी भी दोस्तों काफ़ी लाजवाब है जो कि हमें पूरी तरह से एंगेज करके रखती है अगर आप लोगों ने इस फिल्म का दोस्तों पहला पार्ट देखा होगा तो आपको पता होगा कि कहानी कहाँ पर ख़त्म हुई थी और वहीं से दोस्तों इस मूवी की कहानी जारी की जाती है और फिर मूवी देखने में मज़ा आता है अगर कहानी की बात करूँ तो इसका हर एक डायलॉग काफ़ी बढ़िया है और ये एक छोटे से गाँव में रह रही माँ की जीत की कहानी बताती है और उस जीत को पूरा करने के लिए रॉकी के सद तक जा सकता है वाकई के जी एफ चैप्टर टू के निर्देशक प्रशांत नील और यश उसे वादे को पूरा करते हैं और इस बार चैप्टर टू के अंदर उसे और भी ज़्यादा भव्य विशाल और इमोशनल और एंटरटेनिंग बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है लगभग हम देखते हैं दोस्तों जब किसी फिल्म का पहला पार्ट आता है तो दूसरा पार्ट उतना कमाल नहीं कर पाता है लेकिन कुछ ही ऐसी मूवीज़ होती है जिसका दूसरा पार्ट जो होता है वो ऑडियंस का दिल जीत लेता है और वो कामयाब होता है जैसे कि धूम सीरीज आप देख लीजिए कीजिए आप सीरीज़ देख लीजिए और शायद सलार रू भी शायद ऐसा ही कर सकती है वो भी एक बहुत ही बड़ी ब्लॉक फिल्म हो सकती है दूसरे भाग के अंदर हम देखते हैं कहानी जहाँ ख़त्म हुई थी वहाँ शुरू होती है अब यश ने गरुड़ा को मार कर जिया पर नया राज सुल्तान बन गया है उसे वहाँ के लोगों का बेानतहा प्यार मिलता है और उसी प्यार के बलबूते पर वे रॉकी को अपना खुदा मानते हैं यहाँ रॉकी आदि तूफान की तरह ही आगे बढ़ता जा रहा है और एक मंजिल फतह करने के बाद वे दूसरी मंजिल पर जीत हासिल कर करता है उसे कीजिए आपको सारा मतलब साना सोना चाहिए क्योंकि उसने अपनी माँ से वादा किया होता है कि जब वो मरेगा तो दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनकर मर बनकर मरेगा अब ऐसा यहाँ पर होता है या नहीं वो तो आप इस मूवी के अंदर देखेंगे बाकी दोस्तों फिल्म के अंदर जो है स्टोरी भी काफ़ी ज़बरदस्त है और जिस तरह से कहानी दोस्तों आगे बढ़ती है उसे देखने में काफ़ी मज़ा भी आता है पर्सनली मूवी तो मुझे काफ़ी दोस्तों बढ़िया लगी और इस फिल्म के अंदर हमें स्टोरी भी बहुत ही अच्छी देखने को मिली थी बाकी आप यश के फ़ैन हैं या फिर प्रसाद नल के फ़ैन हैं आप इस मूवी को जब देखेंगे तो आप दोनों के फ़ैन हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर ज़बरदस्त डायरेक्शन है और साथ ही में जो यश है इन्होंने बहुत ही तगड़ी एक्टिंग की है और नेगेटिव रोल के अंदर जो संजय दत्त है इन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया हुआ है जो कि आपको ज़रा भी निराश नहीं करेंगे तो कुल मिलाकर जो है वो एक ज़बरदस्त फिल्म है जिसे आप एक बार ज़रूर अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करिए ये मूवी अक्सर टी पर आती रहती है सोनी मैक्स पे तो आप चाहे तो इसे टी के ऊपर भी दोस्तों देख सकते हैं साउथ में बहुत सारी दोस्तों कमाल की मूवीज़ है लेकिन कुछ ऐसी फिल्में हैं जिन्हें हम एक बार देख लेते हैं तो काफ़ी लंबे समय तक नहीं भूल पाते हैं और ऐसी ही कमाल की मूवी है कि जी आप चैप्टर टू जिसके बारे में आज हम बात करेंगे और दोस्तों आप भी अगर इस फिल्म को हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको मिलेंगी वो भी मैं आपको वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ साथ ही मैं आपको फ़िल्म के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आप नहीं जानते होंगे। वैसे दोस्तों फिल्म काफ़ी लाजवाब है इसके अंदर हमें काफ़ी तगड़ा एक्शन भी देखने को मिलता है और आप इसे हिंदी के अंदर भी देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म के जी आप चैप्टर टू के बारे में इससे पहले भी इस फिल्म का एक पार्ट आ चुका है अगर अभी तक तो आपने उसे नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए इस फिल्म का जो भोजपुरी वर्ज़न है वो यूट्यूब पर तो अवेलेबल है लेकिन वहाँ जाकर अगर आप देखते हैं तो आपको यही लगेगा कि आप हिंदी फिल्म ही देख रहे हैं बस क्या की कि भोजपुरी है और अब तक वहाँ पर 900 मिलियन व्यू मिले हैं इस मूवी को यानी कि 90 करोड़ लोग देख चुके हैं अब तक खैर दोस्तों बात करते हैं आगे इस फ़िल्म के बारे में तो इस मूवी के अंदर हमें क्राइम और एक्शन दोनों ही देखने को मिलेगा और इसका रन टाइम लगभग जो होगा वो पौने तीन घंटे के आसपास का है जो कि हमें दोस्तों बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाला है इसके अलावा दोस्तों इस फिल्म के अंदर हमें जो है एक अच्छी स्टोरी भी देखने को मिलेंगी और कहानी भी दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त है इस फिल्म के अंदर जो है वो जिस तरह का एक्शन हमें दिखाया गया है वाकई लाजवाब है हर मूवी के अंदर कुछ ख़ास बात दोस्तों होती है और इस फिल्म के अंदर भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है यहाँ पर माँ और बेटे की जो कहानी है वो काफ़ी दिलचस्प है और इस फिल्म की जो आईएमडीबी रेटिंग है वो टेन आउट ऑफ एट पॉइंट टू की है और नाइन्टी प्रतिशत लोगों ने इसे लाइक किया है गूगल की तरफ से बाकी जो रॉट एंड टमेटोज है वहाँ पर लगभग पचास प्रतिशत लाएक मिले हैं लेकिन मेरा मानना ये है कि आप इस फिल्म को जब देखेंगे तो आप भी यही कहेंगे कि भाई वो रेटिंग ठीक नहीं है जो कि रॉट एंड की है इस फिल्म के जो डायरेक्टर है वो प्रशांत नील जो कि पहले भी सलार की जी अब चैप्टर वन ओग्रम ऐसी बहुत सी मूवीज़ बना चुके हैं और इनकी एक और मूवी आने वाली है एन टी आर थर्टी वन देखते हैं दोस्तों वो कैसी रहती है और क्या सा रिस्पॉन्स जो है उसे मिलता है अब बात करते ही जी आप चैप्टर टू के बारे में दरअसल दोस्तों आप इस फिल्म को हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये आप सभी को जो है वो हिंदी में फ्री में यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेंगी हालांकि पहला पार्ट जैसे कि मैंने आपको बताया भोजपुरी के अंदर यूटूब पर अवेलेबल है लेकिन अगर आपको दूसरे पार्ट को देखना है तो आपको जाना पड़ेगा Amazon प्राइम वीडियो पे जी हाँ दोस्तों आपको इस फिल्म का दूसरा पार्ट देखना है तो आपको Amazon प्राइम वीडियो पर जाना पड़ेगा जहाँ पर इस फिल्म का दूसरा पार्ट हिंदी के अंदर अवेलेबल है आप दूसरा से वहाँ पर देख सकते हैं एक तो रेंट पर लेकर या फिर आप Amazon प्राइम की जो सब्सक्रिप्शन है मेम्बरशिप वो भी ले सकते हैं यहाँ पर आपको हिंदी के अंदर ये देखने को मिलती है और अलग अलग हिंदी वर्जन है जैसे कि कुछ में डायलॉग बूस्ट किए गए हैं कुछ में डायलॉग मीडियम है तो ऐसे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं इस फिल्म का डायरेक्शन बहुत ही बढ़िया है और जो आप फिल्म से वहाँ पर ही शायद मतलब उनका जो स्टूडियो था वहाँ पर ही शायद इसे डब कराया होगा अगर हम फिल्म की बात करें तो फिल्म की स्टोरी भी दोस्तों काफ़ी लाजवाब है जो कि हमें पूरी तरह से एंगेज करके रखती है अगर आप लोगों ने इस फिल्म का दोस्तों पहला पार्ट देखा होगा तो आपको पता होगा कि कहानी कहाँ पर ख़त्म हुई थी और वहीं से दोस्तों इस मूवी की कहानी जारी की जाती है और फिर मूवी देखने में मज़ा आता है अगर कहानी की बात करूँ तो इसका हर एक डायलॉग काफ़ी बढ़िया है और ये एक छोटे से गांव में रह रही माँ की जीत की कहानी बताती है और उस जीत को पूरा करने के लिए रॉकी के सद तक जा सकता है वाकई के जी चैप्टर टू के निर्देशक प्रशांत नील और यश उसे वादे को पूरा करते हैं और इस बार चैप्टर टू के अंदर उसे और भी ज़्यादा भव्य विशाल और इमोशनल और एंटरटेनिंग बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है लगभग हम देखते हैं दोस्तों जब किसी फिल्म का पहला पार्ट आता है तो दूसरा पार्ट उतना कमाल नहीं कर पाता है लेकिन कुछ ही ऐसी मूवीज़ होती है जिसका दूसरा पार्ट जो होता है वो ऑडियंस का दिल जीत लेता है और वो कामयाब होता है जैसे कि धूम सीरीज आप देख लीजिए कीजिए आप सीरीज़ देख लीजिए और शायद सलार रू भी शायद ऐसा ही कर सकती है वो भी एक बहुत ही बड़ी ब्लॉक फिल्म हो सकती है दूसरे भाग के अंदर हम देखते हैं कहानी जहाँ ख़त्म हुई थी वहाँ शुरू होती है अब यश ने गरुड़ा को मार करके केजिया पर नया राज सुल्तान बन गया है उसे वहाँ के लोगों का बे प्यार मिलता है और उसी प्यार के बलबूते पर वे रॉकी को अपना खुदा मानते हैं यहाँ रॉकी आदि तूफान की तरह ही आगे बढ़ता जा रहा है और एक मंजिल फतह करने के बाद वे दूसरी मंजिल पर जीत हासिल कर करता है उसे कीजिए आपको सारा मतलब साना सोना चाहिए क्योंकि उसने अपनी माँ से वादा किया होता है कि जब वो मरेगा तो दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनकर मर बनकर मरेगा अब ऐसा यहाँ पर होता है या नहीं वो तो आप इस मूवी के अंदर देखेंगे बाकी दोस्तों फिल्म के अंदर जो है स्टोरी भी काफ़ी ज़बरदस्त है और जिस तरह से कहानी दोस्तों आगे बढ़ती है उसे देखने में काफ़ी मज़ा भी आता है पर्सनली मूवी तो मुझे काफ़ी दोस्तों बढ़िया लगी और इस फिल्म के अंदर हमें स्टोरी भी बहुत ही अच्छी देखने को मिली थी बाकी आप यश के फ़ैन हैं या फिर प्रसाद नल के फ़ैन हैं आप इस मूवी को जब देखेंगे तो आप दोनों के फ़ैन हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर ज़बरदस्त डायरेक्शन है और साथ ही में जो यश है इन्होंने बहुत ही तगड़ी एक्टिंग की है और नेगेटिव रोल के अंदर जो संजय दत्त है इन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया हुआ है जो कि आपको ज़रा भी निराश नहीं करेंगे तो कुल मिलाकर जो है वो एक ज़बरदस्त फिल्म है जिसे आप एक बार ज़रूर अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करिए ये मूवी अक्सर टी पर आती रहती है सोनी मैक्स पे तो आप चाहे तो इसे टी के ऊपर भी दोस्तों देख सकते हैं साउथ में बहुत सारी दोस्तों कमाल की मूवीज़ है लेकिन कुछ ऐसी फिल्में हैं जिन्हें हम एक बार देख लेते हैं तो काफ़ी लंबे समय तक नहीं भूल पाते हैं और ऐसी ही कमाल की मूवी है कि जी आप चैप्टर टू जिसके बारे में आज हम बात करेंगे और दोस्तों आप भी अगर इस फिल्म को हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको मिलेंगी वो भी मैं आपको वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ साथ ही मैं आपको फ़िल्म के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आप नहीं जानते होंगे। वैसे दोस्तों फिल्म काफ़ी लाजवाब है इसके अंदर हमें काफ़ी तगड़ा एक्शन भी देखने को मिलता है और आप इसे हिंदी के अंदर भी देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म के जीए आप चैप्टर टू के बारे में इससे पहले भी इस फिल्म का एक पार्ट आ चुका है अगर अभी तक तो आपने उसे नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए इस फिल्म का जो भोजपुरी वर्ज़न है वो YouTube पर तो अवेलेबल है लेकिन वहाँ जाकर अगर आप देखते हैं तो आपको यही लगेगा कि आप हिंदी फिल्म ही देख रहे हैं बस क्या नहीं कि भोजपुरी है और अब तक वहाँ पर 900 मिलियन व्यू मिले हैं इस मूवी को यानी कि 90 करोड़ लोग देख चुके हैं अब तक खैर दोस्तों बात करते हैं आगे इस फ़िल्म के बारे में तो इस मूवी के अंदर हमें क्राइम और एक्शन दोनों ही देखने को मिलेगा और इसका रन टाइम लगभग जो होगा वो पौने तीन घंटे के आसपास का है जो कि हमें दोस्तों बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाला है इसके अलावा दोस्तों इस फिल्म के अंदर हमें जो है एक अच्छी स्टोरी भी देखने को मिलेंगी और कहानी भी दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त है इस फिल्म के अंदर जो है वो जिस तरह का एक्शन हमें दिखाया गया है वाकई लाजवाब है हर मूवी के अंदर कुछ ख़ास बात दोस्तों होती है और इस फिल्म के अंदर भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है यहाँ पर माँ और बेटे की जो कहानी है वो काफ़ी दिलचस्प है और इस फिल्म की जो आई रेटिंग है वो टेन आउट ऑफ एट पॉइंट टू की है और नाइन्टी फॉर प्रतिशत लोगों ने इसे लाइक किया है गूगल की तरफ से बाकी के जो रॉटेन टमेटोज है वहाँ पर लगभग पचास प्रतिशत लाएक मिले हैं लेकिन मेरा मानना ये है कि आप इस फिल्म को जब देखेंगे तो आप भी यही कहेंगे कि भाई वो रेटिंग ठीक नहीं है जो कि रोटेन टमेटोज़ की है इस फिल्म के जो डायरेक्टर है वो प्रशांत नील जो कि पहले भी सलार की जी अब चैप्टर वन ओग्रम ऐसी बहुत सी मूवीज़ बना चुके हैं और इनकी एक और मूवी आने वाली है एन टी आर थर्टी वन देखते हैं दोस्तों वो कैसी रहती है और क्या सा रिस्पॉन्स जो है उसे मिलता है अब बात करते ही कीजिए आप चैप्टर टू के बारे में दरअसल दोस्तों आप इस फिल्म को हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये आप सभी को जो है वो हिंदी में फ्री में यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेंगी हालांकि पहला पार्ट जैसे कि मैंने आपको बताया भोजपुरी के अंदर यूट्यूब पर अवेलेबल है लेकिन अगर आपको दूसरे पार्ट को देखना है तो आपको जाना पड़ेगा एमेज़ोन प्राइम वीडियो पर जी हाँ दोस्तों आपको इस फिल्म का दूसरा पार्ट देखना है तो आपको अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर जाना पड़ेगा जहाँ पर इस फिल्म का दूसरा पार्ट हिंदी के अंदर अवेलेबल है आप दूसरा से वहाँ पर देख सकते हैं एक तो रेंट पर लेकर या फिर आप अमेज़ॉन प्राइम की जो सब्सक्रिप्शन है मेंबरशिप वो भी ले सकते हैं यहाँ पर आपको हिंदी के अंदर ये देखने को मिलती है और अलग अलग हिंदी वर्जन है जैसे कि कुछ में डायलॉग बूस्ट किए गए हैं कुछ में डायलॉग मीडियम है तो ऐसे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं इस फिल्म का डायरेक्शन बहुत ही बढ़िया है और जो आप फिल्म से वहाँ पर इसे शायद मतलब उनका, उनका जो स्टूडियो था वहाँ पर ही इस शायद इसे डब कराया होगा अगर हम फिल्म की बात करें तो फ़िल्म की स्टोरी भी दोस्तों काफ़ी लाजवाब है जो कि हमें पूरी तरह से एंगेज करके रखती है अगर आप लोगों ने इस फिल्म का दोस्तों पहला पार्ट देखा होगा तो आपको पता होगा कि कहानी कहाँ पर ख़त्म हुई थी और वहीं से दोस्तों इस मूवी की कहानी जारी की जाती है और फिर मूवी देखने में मज़ा आता है अगर कहानी की बात करूँ तो इसका हर एक डायलॉग काफ़ी बढ़िया है और ये एक छोटे से गाँव में रह रही माँ की जीत की कहानी बताती है और उस जीत को पूरा करने के लिए रॉकी के सद तक जा सकता है वाकई के जी अफ चैप्टर टू के निर्देशक प्रशांत नील और यश उसे वादे को पूरा करते हैं और इस बार चैप्टर टू के अंदर उसे और भी ज़्यादा भव्य विशाल और इमोशनल और एंटरटेनिंग बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है लगभग हम देखते हैं दोस्तों जब किसी फिल्म का पहला पार्ट आता है तो दूसरा पार्ट उतना कमाल नहीं कर पाता है लेकिन कुछ ही ऐसी मूवीज़ होती है जिसका दूसरा पार्ट जो होता है वो ऑडियंस का दिल जीत लेता है और वो कामयाब होता है जैसे कि धूम सीरीज आप देख लीजिए कीजिए आप सीरीज़ देख लीजिए और शायद सलार टू भी शायद ऐसा ही कर सकती है वो भी एक बहुत ही बड़ी ब्लॉक फिल्म हो सकती है दूसरे भाग के अंदर हम देखते हैं कहानी जहाँ ख़त्म हुई थी वहाँ शुरू होती है अब यश ने गोड़ा को मार कर के जी पर नया राज सुल्तान बन गया है उसे वहाँ के लोगों का बे इन प्यार मिलता है और उसी प्यार के बलबूते पर वे रॉकी को अपना खुदा मानते हैं यहाँ रॉकी आदि तूफान की तरह ही आगे बढ़ता जा रहा है और एक मंजिल फतह करने के बाद वे दूसरी मंजिल पर जीत हासिल कर जा करता है उसे के आपको सारा मतलब साना च, सोना चाहिए क्योंकि उसने अपनी माँ से वादा किया होता है कि जब वो मरेगा तो दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनकर मर बनकर मरेगा अब ऐसा यहाँ पर होता है या नहीं वो तो आप इस मूवी के अंदर देखेंगे बाकी दोस्तों फिल्म के अंदर जो है स्टोरी भी काफ़ी ज़बरदस्त है और जिस तरह से कहानी दोस्तों आगे बढ़ती है उसे देखने में काफ़ी मज़ा भी आता है पर्सनली मूवी तो मुझे काफ़ी दोस्तों बढ़िया लगी और इस फिल्म के अंदर हमें स्टोरी भी बहुत ही अच्छी देखने को मिली थी बाकी आप यश के फ़ैन हैं या फिर प्रसाद नल के फ़ैन हैं आप इस मूवी को जब देखेंगे तो आप दोनों के फ़ैन हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर ज़बरदस्त डायरेक्शन है और साथ ही में जो यश है इन्होंने बहुत ही तगड़ी एक्टिंग की है और नेगेटिव रोल के अंदर जो संजय दत्त है इन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया हुआ है जो कि आपको ज़रा भी निराश नहीं करेंगे तो कुल मिलाकर जो है वो एक ज़बरदस्त फिल्म है जिसे आप एक बार ज़रूर अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करिए ये मूवी अक्सर टीवी पर आती रहती है सोनी मैक्स पे तो आप चाहे तो इसे टीवी के ऊपर भी दोस्तों देख सकते हैं साउथ में बहुत सारी दोस्तों कमाल की मूवीज़ है लेकिन कुछ ऐसी फिल्में हैं जिन्हें हम एक बार देख लेते हैं तो काफ़ी लंबे समय तक नहीं भूल पाते हैं और ऐसी ही कमाल की मूवी है कि जी आप चैप्टर टू जिसके बारे में आज हम बात करेंगे और दोस्तों आप भी अगर इस फिल्म को हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको मिलेंगी वो भी मैं आपको वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ साथ ही मैं आपको फ़िल्म के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊँगा जो आप नहीं जानते होंगे वैसे दोस्तों फिल्म काफ़ी लाजवाब है इसके अंदर हमें काफ़ी तगड़ा एक्शन भी देखने को मिलता है और आप इसे हिंदी के अंदर भी देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म के जी आप चैप्टर टू के बारे में इससे पहले भी इस फिल्म का एक पार्ट आ चुका है अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए इस फिल्म का जो भोजपुरी वर्जन है वो यूट्यूब पर तो अवेलेबल है लेकिन वहाँ जाकर अगर आप देखते हैं तो आपको यही लगेगा कि आप हिंदी फिल्म ही देख रहे हैं बस कहने की भोजपुरी है और अब तक वहाँ पर 900 मिलियन व्यू मिले हैं इस मूवी को यानी कि 90 करोड़ लोग देख चुके हैं अब तक खैर दोस्तों बात करते हैं आगे इस फिल्म के बारे में तो इस मूवी के अंदर हमें क्राइम और एक्शन दोनों ही देखने को मिलेगा और इसका रन टाइम लगभग जो होगा वो पौने तीन घंटे के आसपास का है जो कि हमें दोस्तों बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाला है इसके अलावा दोस्तों इस फिल्म के अंदर हमें जो है एक अच्छी स्टोरी भी देखने को मिलेंगी और कहानी भी दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त है इस फिल्म के अंदर जो है वो जिस तरह का एक्शन हमें दिखाया गया है वाकई लाजवाब है हर मूवी के अंदर कुछ ख़ास बात दोस्तों होती है और इस फिल्म के अंदर भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है यहाँ पर माँ और बेटे की जो कहानी है वो काफ़ी दिलचस्प है और इस फिल्म की जो आई रेटिंग है वो टेन आउट ऑफ एट की है और नाइन्टी प्रतिशत लोगों ने इसे लाइक किया है गूगल की तरफ से बाकी जो रॉट एंड टमेटोज़ है वहाँ पर लगभग पचास प्रतिशत लाइक मिले हैं लेकिन मेरा मानना ये है कि आप इस फ़िल्म को जब देखेंगे तो आप भी यही कहेंगे कि भाई वो रेटिंग ठीक नहीं है जो कि रॉट एन की है इस फिल्म के जो डायरेक्टर है वो प्रशांत नील जो कि पहले भी सलार की जी आप चैप्टर वन ओग्रम ऐसी बहुत सी मूवीज़ बना चुके हैं और इनकी एक और मूवी आने वाली है एन टी आर थर्टी वन देखते हैं दोस्तों वो कैसी रहती है और कैसा रिस्पॉन्स जो है उसे मिलता है अब बात करते हैं कि जी आप चैप्टर टू के बारे में दरअसल दोस्तों आप इस फिल्म को हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये आप सभी को जो है वो हिंदी में फ्री में यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेंगी हालांकि पहला पार्ट जैसे कि मैंने आपको बताया भोजपुरी के अंदर यूट्यूब पर अवेलेबल है लेकिन अगर आपको दूसरे पार्ट को देखना है तो आपको जाना पड़ेगा अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पे जी हाँ दोस्तों आपको इस फ़िल्म का दूसरा पार्ट देखना है तो आपको अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर जाना पड़ेगा जहाँ पर इस फिल्म का दूसरा पार्ट हिंदी के अंदर अवेलेबल है आप दूसरा से वहाँ पर देख सकते हैं एक तो रेंट पर लेकर या फिर आप अमेज़ॉन प्राइम की जो सब्सक्रिप्शन है मेंबरशिप वो भी ले सकते हैं यहाँ पर आपको हिंदी के अंदर ये देखने को मिलती है और अलग अलग हिंदी वर्जन है जैसे कि कुछ में डायलॉग बूस्ट किए गए हैं कुछ में डायलॉग मीडियम है तो ऐसे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं इस फिल्म का डायरेक्शन बहुत ही बढ़िया है और जो आप फिल्म से वहाँ पर इसे शायद मतलब उनका जो स्टूडियो था वहाँ पर ही इस शायद इसे डब कराया होगा अगर हम फिल्म की बात करें तो फिल्म की स्टोरी भी दोस्तों काफ़ी लाजवाब है जो कि हमें पूरी तरह से एंगेज करके रखती है अगर आप लोगों ने इस फिल्म का दोस्तों पहला पार्ट देखा होगा तो आपको पता होगा कि कहानी कहाँ पर ख़त्म हुई थी और वहीं से दोस्तों इस मूवी की कहानी जारी की जाती है और फिर मूवी देखने में मज़ा आता है अगर कहानी की बात करूँ तो इसका हर एक डायलॉग काफ़ी बढ़िया है और ये एक छोटे से गाँव में रह रही माँ की जीत की कहानी बताती है और उस जीत को पूरा करने के लिए रौकी के सद तक जा सकता है वाकई के जी आप चैप्टर टू के निर्देशक प्रशांत नील और यश उसे वादे को पूरा करते हैं और इस बार चैप्टर टू के अंदर उसे और भी ज़्यादा भव्य विशाल और इमोशनल और एंटरटेनिंग बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है लगभग हम देखते हैं दोस्तों जब किसी फिल्म का पहला पार्ट आता है तो दूसरा पार्ट उतना कमाल नहीं कर पाता है लेकिन कुछ ही ऐसी मूवीज़ होती है जिसका दूसरा पार्ट जो होता है ऑडियंस का दिल जीत लेता है और वो कामयाब होता है जैसे कि धूम सीरीज आप देख लीजिए के जी आप सीरीज़ देख लीजिए और शायद सलार टू भी शायद ऐसा ही कर सकती है वो भी एक बहुत ही बड़ी ब्लॉक फिल्म हो सकती है दूसरे भाग के अंदर हम देखते हैं कहानी जहाँ ख़त्म हुई थी वहाँ शुरू होती है अब यश ने गरुड़ा को मार करके जिया पर नया राज सुल्तान बन गया है उसे वहाँ के लोगों का बे प्यार मिलता है और उसी प्यार के बलबूते पर वे रॉकी को अपना खुदा मानते हैं यह रॉकी आदि तूफ़ान की तरह ही आगे बढ़ता जा रहा है और एक मंजिल फ़तह करने के बाद वे दूसरी मंजिल पर जीत हासिल कर जा करता है उसे कीजिए आपको सारा मतलब साना सोना चाहिए क्योंकि उसने अपनी माँ से वादा किया होता है कि जब वो मरेगा तो दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनकर मर बनकर मरेगा अब ऐसा यहाँ पर होता है या नहीं वो तो आप इस मूवी के अंदर देखेंगे बाकी दोस्तों फिल्म के अंदर जो है स्टोरी भी काफ़ी ज़बरदस्त है और जिस तरह से कहानी दोस्तों आगे बढ़ती है उसे देखने में काफ़ी मज़ा भी आता है पर्सनली मूवी तो मुझे काफ़ी दोस्तों बढ़िया लगी और इस फिल्म के अंदर हमें स्टोरी भी बहुत ही अच्छी देखने को मिली थी बाकी आप यश के फ़ैन हैं या फिर प्रशांत नल के फ़ैन हैं आप इस मूवी को जब देखेंगे तो आप दोनों के फ़ैन हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर ज़बरदस्त डायरेक्शन है और साथ ही में जो यश है इन्होंने बहुत ही तगड़ी एक्टिंग की है और नेगेटिव रोल के अंदर जो संजय दत्त है इन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया हुआ है जो कि आपको ज़रा भी निराश नहीं करेंगे तो कुल मिलाकर जो है वो एक ज़बरदस्त फिल्म है जिसे आप एक बार ज़रूर अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करिए ये मूवी अक्सर टीवी पर आती रहती है सोनी मैक्स पे तो आप चाहे तो इसी टीवी के ऊपर भी दोस्तों देख सकते हैं साउथ में बहुत सारी दोस्तों कमाल की मूवीज़ है लेकिन कुछ ऐसी फिल्में हैं जिन्हें हम एक बार देख लेते हैं तो काफ़ी लंबे समय तक नहीं भूल पाते हैं और ऐसी ही कमाल की मूवी है कि जी आप चैप्टर टू जिसके बारे में आज हम बात करेंगे और दोस्तों आप भी अगर इस फिल्म को हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको मिलेंगी वो भी मैं आपको वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ साथ ही मैं आपको फ़िल्म के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊँगा जो आप नहीं जानते होंगे वैसे दोस्तों फिल्म काफ़ी लाजवाब है इसके अंदर हमें काफ़ी तगड़ा एक्शन भी देखने को मिलता है और आप इसे हिंदी के अंदर भी देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म के जी आप चैप्टर टू के बारे में इससे पहले भी इस फिल्म का एक पार्ट आ चुका है अगर अभी तक तो आपने उसे नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए इस फिल्म का जो भोजपुरी वर्ज़न है वो यूट्यूब पर तो अवेलेबल है लेकिन वहाँ जाकर अगर आप देखते हैं तो आपको यही लगेगा कि आप हिंदी फिल्म ही देख रहे हैं बस कहने की भोजपुरी है और अब तक वहाँ पर नौ मिलियन व्यू मिले हैं इस मूवी को यानी कि नब्बे करोड़ लोग देख चुके हैं अब तक खैर दोस्तों बात करते हैं आगे इस फिल्म के बारे में तो इस मूवी के अंदर हमें क्राइम और एक्शन दोनों ही देखने को मिलेगा और इसका रन टाइम लगभग जो होगा वो पौने तीन घंटे के आसपास का है जो कि हमें दोस्तों बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाला है इसके अलावा दोस्तों इस फिल्म के अंदर हमें जो है एक अच्छी स्टोरी भी देखने को मिलेंगी और कहानी भी दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त है इस फिल्म के अंदर जो है वो जिस तरह का एक्शन हमें दिखाया गया है वाकई लाजवाब है हर मूवी के अंदर कुछ खास बात दोस्तों होती है और इस फिल्म के अंदर भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है यहाँ पर माँ और बेटे की जो कहानी है वो काफ़ी दिलदस्त है और इस फिल्म की जो आई एम रेटिंग है वो टेन आउट ऑफ एट पॉइंट टू की है और नाइन्टी फॉर प्रतिशत लोगों ने इसे लाइक किया है गूगल की तरफ से बाकी जो रॉट एन है वहाँ पर लगभग पचास प्रतिशत लाइक मिले हैं लेकिन मेरा मानना ये है कि आप इस फिल्म को जब देखेंगे तो आप भी यही कहेंगे कि भाई वो रेटिंग ठीक नहीं है जो कि रॉट एंड की है इस फिल्म के जो डायरेक्टर है वो प्रशांत नील जो कि पहले भी सलार की जी चैप्टर वन ओग्रम ऐसी बहुत सी मूवीज़ बना चुके हैं और इनकी एक और मूवी आने वाली है एन टी आर थर्टी वन देखते हैं दोस्तों वो कैसी रहती है और कैसा रिस्पॉन्स जो है उसे मिलता है अब बात करते हैं कीजिए आप चैप्टर टू के बारे में दरअसल दोस्तों आप इस फिल्म को हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये आप सभी को जो है वो हिंदी में फ्री में यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेंगी हालांकि पहला पार्ट जैसे कि मैंने आपको बताया भोजपुरी के अंदर यूटूब पर अवेलेबल है लेकिन अगर आपको दूसरे पार्ट को देखना है तो आपको जाना पड़ेगा Amazon प्राइम वीडियो पे जी हाँ दोस्तों आपको इस फिल्म का दूसरा पार्ट देखना है तो आपको Amazon प्राइम वीडियो पर जाना पड़ेगा जहाँ पर इस फ़िल्म का दूसरा पार्ट हिंदी के अंदर अवेलेबल है आप दूसरा से वहाँ पर देख सकते हैं एक तो रेंट पर लेकर या फिर आप Amazon प्राइम की जो सब्सक्रिप्शन है मेम्बरशिप वो भी ले सकते हैं यहाँ पर आपको हिंदी के अंदर ये देखने को मिलती है और अलग अलग हिंदी वर्जन है जैसे कि कुछ में डायलॉग बूस्ट किए गए हैं कुछ में डायलॉग मीडियम है तो ऐसे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं इस फिल्म का डायरेक्शन बहुत ही बढ़िया है और जो आप फिल्म से वहाँ पर ही शायद मतलब उनका जो स्टूडियो था वहाँ पर ही शायद इसे डब कराया होगा अगर हम फिल्म की बात करें तो फ़िल्म की स्टोरी भी दोस्तों काफ़ी लाजवाब है जो कि हमें पूरी तरह से एंगेज करके रखती है अगर आप लोगों ने इस फिल्म का दोस्तों पहला पार्ट देखा होगा तो आपको पता होगा कि कहानी कहाँ पर ख़त्म हुई थी और वहीं से दोस्तों इस मूवी की कहानी जारी की जाती है और फिर मूवी देखने में मज़ा आता है अगर कहानी की बात करूँ तो इसका हर एक डायलॉग काफ़ी बढ़िया है और ये एक छोटे से गाँव में रह रही माँ की जीत की कहानी बताती है और उस जीत को पूरा करने के लिए रॉकी के सद तक जा सकता है वाकई के जी एफ चैप्टर टू के निर्देशक प्रशांत नील और यश उसे वादे को पूरा करते हैं और इस बार चैप्टर टू के अंदर उसे और भी ज़्यादा भव्य विशाल और इमोशनल और एंटरटेनिंग बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है लगभग हम देखते हैं दोस्तों जब किसी फिल्म का पहला पार्ट आता है तो दूसरा पार्ट उतना कमाल नहीं कर पाता है लेकिन कुछ ही ऐसी मूवीज़ होती है जिसका दूसरा पार्ट जो होता है वो ऑडियंस का दिल जीत लेता है और वह कामयाब होता है जैसे कि धूम सीरीज आप देख लीजिए कीजिए आप सीरीज़ देख लीजिए और शायद सलार टू भी शायद ऐसा ही कर सकती है वो भी एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म हो सकती है दूसरे भाग के अंदर हम देखते हैं कहानी जहाँ ख़त्म हुई थी वहाँ शुरू होती है अब यश ने गरुड़ा को मार करके जिया पर नया राज सुल्तान बन गया है उसे वहाँ के लोगों का बे प्यार मिलता है और उसी प्यार के बलबूते पर वे रॉकी को अपना खुदा मानते हैं यहाँ रॉकी आदि तूफान की तरह ही आगे बढ़ता जा रहा है और एक मंजिल फतह करने के बाद वे दूसरी मंजिल पर जीत हासिल कर जा करता है उसे कीजिए आपको सारा मतलब साना सोना चाहिए क्योंकि उसने अपनी माँ से वादा किया होता है कि जब वो मरेगा तो दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनकर मर बनकर मरेगा अब ऐसा यहाँ पर होता है या नहीं वो तो आप इस मूवी के अंदर देखेंगे बाकी दोस्तों फिल्म के अंदर जो है स्टोरी भी काफ़ी ज़बरदस्त है और जिस तरह से कहानी दोस्तों आगे बढ़ती है उसे देखने में काफ़ी मज़ा भी आता है पर्सनली मूवी तो मुझे काफ़ी दोस्तों बढ़िया लगी और इस फिल्म के अंदर हमें स्टोरी भी बहुत ही अच्छी देखने को मिली थी बाकी आप यश के फ़ैन हैं या फिर प्रशांत नल के फ़ैन हैं आप इस मूवी को जब देखेंगे तो आप दोनों के फ़ैन हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर ज़बरदस्त डायरेक्शन है और साथ ही में जो यश है इन्होंने बहुत ही तगड़ी एक्टिंग की है और नेगेटिव रोल के अंदर जो संजय दत्त है इन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया हुआ है जो कि आपको ज़रा भी निराश नहीं करेंगे तो कुल मिलाकर जो है वो एक जबरदस्त फिल्म है जिसे आप एक बार ज़रूर अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करिए ये मूवी अक्सर टीवी पर आती रहती है सोनी मैक्स पे तो आप चाहे तो इसे टीवी के ऊपर भी दोस्तों देख सकते हैं साउथ में बहुत सारी दोस्तों कमाल की मूवीज़ है लेकिन कुछ ऐसी फिल्में हैं जिन्हें हम एक बार देख लेते हैं तो काफ़ी लंबे समय तक नहीं भूल पाते हैं और ऐसी ही कमाल की मूवी है कि जी आप चैप्टर टू जिसके बारे में आज हम बात करेंगे और दोस्तों आप भी अगर इस फिल्म को हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको मिलेंगी वो भी मैं आपको वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ साथ ही मैं आपको फ़िल्म के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊँगा जो आप नहीं जानते होंगे वैसे दोस्तों फिल्म काफ़ी लाजवाब है इसके अंदर हमें काफ़ी तगड़ा एक्शन भी देखने को मिलता है और आप इसे हिंदी के अंदर भी देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म के जीए चैप्टर टू के बारे में इससे पहले भी इस फिल्म का एक पार्ट आ चुका है अगर अभी तक तो आपने उसे नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए इस फिल्म का जो भोजपुरी वर्ज़न है वो यूट्यूब पर तो अवेलेबल है लेकिन वहाँ जाकर अगर आप देखते हैं तो आपको यही लगेगा कि आप हिंदी फिल्म ही देख रहे हैं बस क्या की कि भोजपुरी है और अब तक वहाँ पर 900 मिलियन व्यू मिले हैं इस मूवी को यानी कि 90 करोड़ लोग देख चुके हैं अब तक खैर दोस्तों बात करते हैं आगे इस फ़िल्म के बारे में तो इस मूवी के अंदर हमें क्राइम और एक्शन दोनों ही देखने को मिलेगा और इसका रन टाइम लगभग जो होगा वो पौने तीन घंटे के आसपास का है जो कि हमें दोस्तों बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाला है इसके अलावा दोस्तों इस फिल्म के अंदर हमें जो है एक अच्छी स्टोरी भी देखने को मिलेंगी और कहानी भी दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त है इस फिल्म के अंदर जो है वो जिस तरह का एक्शन हमें दिखाया गया है वाकई लाजवाब है हर मूवी के अंदर कुछ ख़ास बात दोस्तों होती है और इस फिल्म के अंदर भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है यहाँ पर माँ और बेटे की जो कहानी है वो काफ़ी दिलचस्त है और इस फिल्म की जो आई रेटिंग है वो टेन आउट ऑफ एट पॉइंट टू की है और नाइन्टी प्रतिशत लोगों ने इसे लाइक किया है गूगल की तरफ से बाकी जो रॉट एंड टमेटोज़ है वहाँ पर लगभग पचास प्रतिशत लायक मिले हैं लेकिन मेरा मानना ये है कि आप इस फिल्म को जब देखेंगे तो आप भी यही कहेंगे कि भाई वो रेटिंग ठीक नहीं है जो कि रॉट एंड टमेटोज़ की है इस फिल्म के जो डायरेक्टर है वो प्रशांत नील जो कि पहले भी सलार की जी अप चैप्टर वन ओग्रम ऐसी बहुत सी मूवीज़ बना चुके हैं और इनकी एक और मूवी आने वाली है एन टी आर थर्टी वन देखते हैं दोस्तों वो कैसी रहती है और क्या सा रिस्पॉन्स जो है उसे मिलता है अब बात करते हैं कीजिए आप चैप्टर टू के बारे में दरअसल दोस्तों आप इस फिल्म को हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये आप सभी को जो है वो हिंदी में फ्री में यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेंगी हालांकि पहला पार्ट जैसे कि मैंने आपको बताया भोजपुरी के अंदर यूटूब पर अवेलेबल है लेकिन अगर आपको दूसरे पार्ट को देखना है तो आपको जाना पड़ेगा एमेज़ोन प्राइम वीडियो पर जी हाँ दोस्तों आपको इस फ़िल्म का दूसरा पार्ट देखना है तो आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाना पड़ेगा जहाँ पर इस फिल्म का दूसरा पार्ट हिंदी के अंदर अवेलेबल है आप दूसरा से वहाँ पर देख सकते हैं एक तो रेंट पर लेकर या फिर आप अमेज़ॉन प्राइम की जो सब्सक्रिप्शन है मेंबरशिप वो भी ले सकते हैं यहाँ पर आपको हिंदी के अंदर ये देखने को मिलती है और अलग अलग हिंदी वर्जन है जैसे कि कुछ में डायलॉग बूस्ट किए गए हैं कुछ में डायलॉग मीडियम है तो ऐसे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं इस फिल्म का डायरेक्शन बहुत ही बढ़िया है और जो आप फिल्म से वहाँ पर ही शायद मतलब उनका जो स्टूडियो था वहाँ पर ही शायद इसे डब कराया होगा अगर हम फिल्म की बात करें तो फ़िल्म की स्टोरी भी दोस्तों काफ़ी लाजवाब है जो कि हमें पूरी तरह से एंगेज करके रखती है अगर आप लोगों ने इस फिल्म का दोस्तों पहला पार्ट देखा होगा तो आपको पता होगा कि कहानी कहाँ पर ख़त्म हुई थी और वहीं से दोस्तों इस मूवी की कहानी जारी की जाती है और फिर मूवी देखने में मज़ा आता है अगर कहानी की बात करूँ तो इसका हर एक डायलॉग काफ़ी बढ़िया है और ये एक छोटे से गाँव में रह रही माँ की जीत की कहानी बताती है और उस जीत को पूरा करने के लिए रॉकी के सद तक जा सकता है वाकई के जी एफ चैप्टर टू के निर्देशक प्रशांत नील और यश उसे वादे को पूरा करते हैं और इस बार चैप्टर टू के अंदर उसे और भी ज़्यादा भव्य विशाल और इमोशनल और एंटरटेनिंग बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है लगभग हम देखते हैं दोस्तों जब किसी फिल्म का पहला पार्ट आता है तो दूसरा पार्ट उतना कमाल नहीं कर पाता है लेकिन कुछ ही ऐसी मूवीज़ होती है जिसका दूसरा पार्ट जो होता है वो ऑडियंस का दिल जीत लेता है और वो कामयाब होता है जैसे कि धूम सीरीज आप देख लीजिए कीजिए आप सीरीज़ देख लीजिए और शायद सला रू भी शायद ऐसा ही कर सकती है वो भी एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म हो सकती है दूसरे भाग के अंदर हम देखते हैं कहानी जहाँ ख़त्म हुई थी वहाँ शुरू होती है अब यश ने गरुड़ा को मार कर के जी पर नया राज सुल्तान बन गया है उसे वहाँ के लोगों का बेानतः प्यार मिलता है और उसी प्यार के बलबूते पर वे रॉकी को अपना खुदा मानते हैं यहाँ रॉकी आदि तूफान की तरह ही आगे बढ़ता जा रहा है और एक मंजिल फतह करने के बाद वे दूसरी मंजिल पर जीत हासिल कर जा करता है उसे के जी आपको सारा मतलब साना च, सोना चाहिए क्योंकि उसने अपनी माँ से वादा किया होता है कि जब वो मरेगा तो दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनकर मर बनकर मरेगा अब ऐसा यहाँ पर होता है या नहीं वो तो आप इस मूवी के अंदर देखेंगे बाकी दोस्तों फ़िल्म के अंदर जो है स्टोरी भी काफ़ी ज़बरदस्त है और जिस तरह से कहानी दोस्तों आगे बढ़ती है उसे देखने में काफ़ी मज़ा भी आता है पर्सनली मूवी तो मुझे काफ़ी दोस्तों बढ़िया लगी और इस फिल्म के अंदर हमें स्टोरी भी बहुत ही अच्छी देखने को मिली थी बाकी आप यश के फ़ैन हैं या फिर प्रसाद नल के फ़ैन हैं आप इस मूवी को जब देखेंगे तो आप दोनों के फ़ैन हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर ज़बरदस्त डायरेक्शन है और साथ ही में जो यश है इन्होंने बहुत ही तगड़ी एक्टिंग की है और नेगेटिव रोल के अंदर जो संजय दत्त है इन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया हुआ है जो कि आपको ज़रा भी निराश नहीं करेंगे तो कुल मिलाकर जो है वो एक ज़बरदस्त फिल्म है जिसे आप एक बार ज़रूर अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करिए ये मूवी अक्सर टीवी पर आती रहती है सोनी मैक्स पे तो आप चाहे तो इसे टीवी के ऊपर भी दोस्तों देख सकते हैं साउथ में बहुत सारी दोस्तों कमाल की मूवीज़ है लेकिन कुछ ऐसी फिल्में हैं जिन्हें हम एक बार देख लेते हैं तो काफ़ी लंबे समय तक नहीं भूल पाते हैं और ऐसे ही कमाल की मूवी है कि जी आप चैप्टर टू जिसके बारे में आज हम बात करेंगे और दोस्तों आप भी अगर इस फिल्म को हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको मिलेंगी वो भी मैं आपको वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ साथ ही मैं आपको फ़िल्म के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊँगा जो आप नहीं जानते होंगे वैसे दोस्तों फ़िल्म काफ़ी लाजवाब है इसके अंदर हमें काफ़ी तगड़ा एक्शन भी देखने को मिलता है और आप इसे हिंदी के अंदर भी देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म के जी आप चैप्टर टू के बारे में इससे पहले भी इस फिल्म का एक पार्ट आ चुका है अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए इस फिल्म का जो भोजपुरी वर्जन है वो यूट्यूब पर तो अवेलेबल है लेकिन वहाँ जाकर अगर आप देखते हैं तो आपको यही लगेगा कि आप हिंदी फिल्म ही देख रहे हैं बस कहने की भोजपुरी है और अब तक वहाँ पर 900 मिलियन व्यू मिले हैं इस मूवी को यानी कि 90 करोड़ लोग देख चुके हैं अब तक खैर दोस्तों बात करते हैं आगे इस फ़िल्म के बारे में तो इस मूवी के अंदर हमें क्राइम और एक्शन दोनों ही देखने को मिलेगा और इसका रन टाइम लगभग जो होगा वो पौने है तीन घंटे के आसपास का है जो कि हमें दोस्तों बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाला है इसके अलावा दोस्तों इस फिल्म के अंदर हमें जो है एक अच्छी स्टोरी भी देखने को मिलेंगी और कहानी भी दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त है इस फिल्म के अंदर जो है वो जिस तरह का एक्शन हमें दिखाया गया है वाकई लाजवाब है हर मूवी के अंदर कुछ ख़ास बात दोस्तों होती है और इस फिल्म के अंदर भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है यहाँ पर माँ और बेटे की जो कहानी है वो काफ़ी दिलचस्प है और इस फिल्म की जो आईएमडीबी रेटिंग है वो टेन आउट ऑफ एट पॉइंट टू की है और नाइन्टी फॉर प्रतिशत लोगों ने इसे लाइक किया है गूगल की तरफ से बाकी जो रॉटन टमेटोज़ है वहाँ पर लगभग पचास प्रतिशत लाइक मिले हैं लेकिन मेरा मानना ये है कि आप इस फिल्म को जब देखेंगे तो आप भी यही कहेंगे कि भाई वो रेटिंग ठीक नहीं है जो कि रॉटेन टमेटोज़ की है इस फिल्म के जो डायरेक्टर है वो प्रशांत नील जो कि पहले भी सलार की जी अब चैप्टर वन ओग्रम ऐसी बहुत सी मूवीज़ बना चुके हैं और इनकी एक और मूवी आने वाली है एन टी आर थर्टी वन देखते हैं दोस्तों वो कैसी रहती है और कैसा रिस्पॉन्स जो है उसे मिलता है अब बात करते हैं के जी अब चैप्टर टू के बारे में दरअसल दोस्तों आप इस फिल्म को हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये आप सभी को जो है वो हिंदी में फ्री में यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेंगी हालांकि पहला पार्ट जैसे कि मैंने आपको बताया भोजपुरी के अंदर यूटूब पर अवेलेबल है लेकिन अगर आपको दूसरे पार्ट को देखना है तो आपको जाना पड़ेगा अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पे जी हाँ दोस्तों आपको इस फ़िल्म का दूसरा पार्ट देखना है तो आपको अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर जाना पड़ेगा जहाँ पर इस फिल्म का दूसरा पार्ट हिंदी के अंदर अवेलेबल है आप दूसरा से वहाँ पर देख सकते हैं एक तो रेंट पर लेकर या फिर आप अमेज़ॉन प्राइम की जो सब्सक्रिप्शन है मेंबरशिप है वो भी ले सकते हैं यहाँ पर आपको हिंदी के अंदर ये देखने को मिलती है और अलग अलग हिंदी वर्जन है जैसे कि कुछ में डायलॉग बूस्ट किए गए हैं कुछ में डायलॉग मीडियम है तो ऐसे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं इस फिल्म का डायरेक्शन बहुत ही बढ़िया है और जो आप फिल्म से वहाँ पर इसे शायद मतलब उनका जो स्टूडियो था वहाँ पर ही इस शायद इसे डब कराया होगा अगर हम फिल्म, तो फिल्म की बात करें तो फ़िल्म की स्टोरी भी दोस्तों काफ़ी लाजवाब है जो कि हमें पूरी तरह से एंगेज करके रखती है अगर आप लोगों ने इस फिल्म का दोस्तों पहला पार्ट देखा होगा तो आपको पता होगा कि कहानी कहाँ पर ख़त्म हुई थी और वहीं से दोस्तों इस मूवी की कहानी जारी की जाती है और फिर मूवी देखने में मज़ा आता है अगर कहानी की बात करूँ तो इसका हर एक डायलॉग काफ़ी बढ़िया है और ये एक छोटे से गाँव में रह रही माँ की जीत की कहानी बताती है और उस जीत को पूरा करने के लिए रॉकी के सद तक जा सकता है वाकई के जी चैप्टर टू के निर्देशक प्रशांत नील और यश उसे वादे को पूरा करते हैं और इस बार चैप्टर टू के अंदर उसे और भी ज़्यादा भव्य विशाल और इमोशनल और एंटरटेनिंग बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है लगभग हम देखते हैं दोस्तों जब किसी फिल्म का पहला पार्ट आता है तो दूसरा पार्ट उतना कमाल नहीं कर पाता है लेकिन कुछ ही ऐसी मूवीज़ होती है जिसका दूसरा पार्ट जो होता है ऑडियंस का दिल जीत लेता है और वो कामयाब होता है जैसे कि धूम सीरीज आप देख लीजिए के जी आप सीरीज़ देख लीजिए और शायद सलार टू भी शायद ऐसा ही कर सकती है वो भी एक बहुत ही बड़ी ब्लॉक फिल्म हो सकती है दूसरे भाग के अंदर हम देखते हैं कहानी जहाँ ख़त्म हुई थी वहाँ शुरू होती है अब यस ने गरुड़ा को मार कर के जी पर नया राज सुल्तान बन गया है उसे वहाँ के लोगों का बेानतहा प्यार मिलता है और उसी प्यार के बलबूते पर वे रॉकी को अपना खुदा मानते हैं यहाँ रॉके आदि तूफ़ान की तरह ही आगे बढ़ता जा रहा है और एक मंजिल फतह करने के बाद वे दूसरी मंजिल पर जीत हासिल कर जा करता है उसे कीजिए आपको सारा मतलब साना सोना चाहिए क्योंकि उसने अपनी माँ से वादा किया होता है कि जब वो मरेगा तो दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनकर मर बनकर मरेगा अब ऐसा यहाँ पर होता है या नहीं वो तो आप इस मूवी के अंदर देखेंगे बाकी दोस्तों फिल्म के अंदर जो है स्टोरी भी काफ़ी ज़बरदस्त है और जिस तरह से कहानी दोस्तों आगे बढ़ती है उसे देखने में काफ़ी मज़ा भी आता है पर्सनली मूवी तो मुझे काफ़ी दोस्तों बढ़िया लगी और इस फिल्म के अंदर हमें स्टोरी भी बहुत ही अच्छी देखने को मिली थी बाकी आप यश के फ़ैन हैं या फिर प्रशांत नल के फ़ैन हैं आप इस मूवी को जब देखेंगे तो आप दोनों के फैन हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर ज़बरदस्त डायरेक्शन है और साथ ही में जो यश है इन्होंने बहुत ही तगड़ी एक्टिंग की है और नेगेटिव रोल के अंदर जो संजय दत्त है इन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया हुआ है जो कि आपको ज़रा भी निराश नहीं करेंगे तो कुल मिलाकर जो है वो एक ज़बरदस्त फिल्म है जिसे आप एक बार ज़रूर अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करिए ये मूवी अक्सर टीवी पर आती रहती है सोनी मैक्स पे तो आप चाहे तो इसी टीवी के ऊपर भी दोस्तों देख सकते हैं साउथ में बहुत सारी दोस्तों कमाल की मूवीज़ है लेकिन कुछ ऐसी फिल्में हैं जिन्हें हम एक बार देख लेते हैं तो काफ़ी लंबे समय तक नहीं भूल पाते हैं और ऐसे ही कमाल की मूवी है कि जी आप चैप्टर टू जिसके बारे में आज हम बात करेंगे और दोस्तों आप भी अगर इस फिल्म को हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको मिलेंगी वो भी मैं आपको वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ साथ ही मैं आपको फ़िल्म के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आप नहीं जानते होंगे। वैसे दोस्तों फिल्म काफ़ी लाजवाब है इसके अंदर हमें काफ़ी तगड़ा एक्शन भी देखने को मिलता है और आप इसे हिंदी के अंदर भी देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म कीजिए आप चैप्टर टू के बारे में इससे पहले भी इस फिल्म का एक पार्ट आ चुका है अगर अभी तक तो आपने उसे नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए इस फिल्म का जो भोजपुरी वर्ज़न है वो यूट्यूब पर तो अवेलेबल है लेकिन वहाँ जाकर अगर आप देखते हैं तो आपको यही लगेगा कि आप हिंदी फिल्म ही देख रहे हैं बस कहने की भोजपुरी है और अब तक वहाँ पर 900 मिलियन व्यू मिले हैं इस मूवी को यानी कि नब्बे करोड़ लोग देख चुके हैं अब तक खैर दोस्तों बात करते हैं आगे इस फिल्म के बारे में तो इस मूवी के अंदर हमें क्राइम और एक्शन दोनों ही देखने को मिलेगा और इसका रन टाइम लगभग जो होगा वो पौने तीन घंटे के आसपास का है जो कि हमें दोस्तों बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाला है इसके अलावा दोस्तों इस फिल्म के अंदर हमें जो है एक अच्छी स्टोरी भी देखने को मिलेंगी और कहानी भी दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त है इस फिल्म के अंदर जो है वो जिस तरह का एक्शन हमें दिखाया गया है वाकई लाजवाब है हर मूवी के अंदर कुछ ख़ास बात दोस्तों होती है और इस फिल्म के अंदर भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है यहाँ पर माँ और बेटे की जो कहानी है वो काफ़ी दिलदस्त है और इस फिल्म की जो आई एम रेटिंग है वो टेन आउट ऑफ एट की है और नाइन्टी फॉर प्रतिशत लोगों ने इसे लाइक किया है गूगल की तरफ से बाकी जो रॉट एंड टमेटोज़ है वहाँ पर लगभग पचास प्रतिशत लाइक मिले हैं लेकिन मेरा मानना ये है कि आप इस फिल्म को जब देखेंगे तो आप भी यही कहेंगे कि भाई वो रेटिंग ठीक नहीं है जो कि रॉट एंड टमेटोज़ की है इस फिल्म के जो डायरेक्टर है वो प्रशांत नील जो कि पहले भी सलार की जी अप चैप्टर वन ओग्रम ऐसी बहुत सी मूवीज़ बना चुके हैं और इनकी एक और मूवी आने वाली है एन टी आर थर्टी वन देखते हैं दोस्तों वो कैसी रहती है और क्या सा रिस्पॉन्स जो है उसे मिलता है अब बात करते हैं कीजिए आप चैप्टर टू के बारे में दरअसल दोस्तों आप इस फिल्म को हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये आप सभी को जो है वो हिंदी में फ्री में यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेंगी हालांकि पहला पार्ट जैसे कि मैंने आपको बताया भोजपुरी के अंदर यूटूब पर अवेलेबल है लेकिन अगर आपको दूसरे पार्ट को देखना है तो आपको जाना पड़ेगा Amazon प्राइम वीडियो पे जी हाँ दोस्तों आपको इस फिल्म का दूसरा पार्ट देखना है तो आपको Amazon प्राइम वीडियो पर जाना पड़ेगा जहाँ पर इस फिल्म का दूसरा पार्ट हिंदी के अंदर अवेलेबल है आप दूसरा से वहाँ पर देख सकते हैं एक तो रेंट पर लेकर या फिर आप Amazon प्राइम की जो सब्सक्रिप्शन है मेम्बरशिप वो भी ले सकते हैं यहाँ पर आपको हिंदी के अंदर ये देखने को मिलती है और अलग अलग हिंदी वर्जन है जैसे कि कुछ में डायलॉग बूस्ट किए गए हैं कुछ में डायलॉग मीडियम है तो ऐसे यह आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं इस फिल्म का डायरेक्शन बहुत ही बढ़िया है और जो आप फिल्म से वहाँ पर इसे शायद मतलब उनका जो स्टूडियो था वहाँ पर ही इस शायद इसे डब कराया होगा अगर हम फिल्म की बात करें तो फिल्म की स्टोरी भी दोस्तों काफ़ी लाजवाब है जो कि हमें पूरी तरह से एंगेज करके रखती है अगर आप लोगों ने इस फिल्म का दोस्तों पहला पार्ट देखा होगा तो आपको पता होगा कि कहानी कहाँ पर ख़त्म हुई थी और वहीं से दोस्तों इस मूवी की कहानी जारी की जाती है और फिर मूवी देखने में मज़ा आता है अगर कहानी की बात करूँ तो इसका हर एक डायलॉग काफ़ी बढ़िया है और ये एक छोटे से गाँव में रह रही माँ की जीत की कहानी बताती है और उस जीत को पूरा करने के लिए रॉकी के सद तक जा सकता है वाकई के जी एफ चैप्टर टू के निर्देशक प्रशांत नील और यश उसे वादे को पूरा करते हैं और इस बार चैप्टर टू के अंदर उसे और भी ज़्यादा भव्य विशाल और इमोशनल और एंटरटेनिंग बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है लगभग हम देखते हैं दोस्तों जब किसी फिल्म का पहला पार्ट आता है तो दूसरा पार्ट उतना कमाल नहीं कर पाता है लेकिन कुछ ही ऐसी मूवीज़ होती है जिसका दूसरा पार्ट जो होता है वह ऑडियंस का दिल जीत लेता है और वो कामयाब होता है जैसे कि धूम सीरीज आप देख लीजिए कीजिए आप सीरीज़ देख लीजिए और शायद सला रू भी शायद ऐसा ही कर सकती है वो भी एक बहुत ही बड़ी ब्लॉक फिल्म हो सकती है दूसरे भाग के अंदर हम देखते हैं कहानी जहाँ ख़त्म हुई थी वहाँ शुरू होती है अब यश ने गरुड़ा को मार कर जिया पर नया राज सुल्तान बन गया है उसे वहाँ के लोगों का बेानतहा प्यार मिलता है और उसी प्यार के बलबूते पर वे रॉकी को अपना खुदा मानते हैं यहाँ रॉकी आदि तूफान की तरह ही आगे बढ़ता जा रहा है और एक मंजिल फतह करने के बाद वे दूसरी मंजिल पर जीत हासिल कर करता है उसे कीजिए आपको सारा मतलब साना सोना चाहिए क्योंकि उसने अपनी माँ से वादा किया होता है कि जब वो मरेगा तो दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनकर मर बनकर मरेगा अब ऐसा यहाँ पर होता है या नहीं वो तो आप इस मूवी के अंदर देखेंगे बाकी दोस्तों फिल्म के अंदर जो है स्टोरी भी काफ़ी ज़बरदस्त है और जिस तरह से कहानी दोस्तों आगे बढ़ती है उसे देखने में काफ़ी मज़ा भी आता है पर्सनली मूवी तो मुझे काफ़ी दोस्तों बढ़िया लगी और इस फिल्म के अंदर हमें स्टोरी भी बहुत ही अच्छी देखने को मिली थी बाकी आप यश के फ़ैन हैं या फिर प्रसाद नल के फ़ैन हैं आप इस मूवी को जब देखेंगे तो आप दोनों के फ़ैन हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर ज़बरदस्त डायरेक्शन है और साथ ही में जो यश है इन्होंने बहुत ही तगड़ी एक्टिंग की है और नेगेटिव रोल के अंदर जो संजय दत्त है इन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया हुआ है जो कि आपको ज़रा भी निराश नहीं करेंगे तो कुल मिलाकर जो है वो एक ज़बरदस्त फिल्म है जिसे आप एक बार ज़रूर अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करिए ये मूवी अक्सर टी पर आती रहती है सोनी मैक्स पे तो आप चाहे तो इसे टी के ऊपर भी दोस्तों देख सकते हैं साउथ में बहुत सारी दोस्तों कमाल की मूवीज़ है लेकिन कुछ ऐसी फिल्में हैं जिन्हें हम एक बार देख लेते हैं तो काफ़ी लंबे समय तक नहीं भूल पाते हैं और ऐसी ही कमाल की मूवी है कि जी आप चैप्टर टू जिसके बारे में आज हम बात करेंगे और दोस्तों आप भी अगर इस फिल्म को हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको मिलेंगी वो भी मैं आपको वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ साथ ही मैं आपको फ़िल्म के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊँगा जो आप नहीं जानते होंगे वैसे दोस्तों फिल्म काफ़ी लाजवाब है इसके अंदर हमें काफ़ी तगड़ा एक्शन भी देखने को मिलता है और आप इसे हिंदी के अंदर भी देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म के जी आप चैप्टर टू के बारे में इससे पहले भी इस फिल्म का एक पार्ट आ चुका है अगर अभी तक तो आपने उसे नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए इस फिल्म का जो भोजपुरी वर्ज़न है वो यूट्यूब पर तो अवेलेबल है लेकिन वहाँ जाकर अगर आप देखते हैं तो आपको यही लगेगा कि आप हिंदी फिल्म ही देख रहे हैं बस क्या की कि भोजपुरी है और अब तक वहाँ पर 900 मिलियन व्यू मिले हैं इस मूवी को यानी कि 90 करोड़ लोग देख चुके हैं अब तक खैर दोस्तों बात करते हैं आगे इस फ़िल्म के बारे में तो इस मूवी के अंदर हमें क्राइम और एक्शन दोनों ही देखने को मिलेगा और इसका रन टाइम लगभग जो होगा वो पौने तीन घंटे के आसपास का है जो कि हमें दोस्तों बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाला है इसके अलावा दोस्तों इस फिल्म के अंदर हमें जो है एक अच्छी स्टोरी भी देखने को मिलेंगी और कहानी भी दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त है इस फिल्म के अंदर जो है वो जिस तरह का एक्शन हमें दिखाया गया है वाकई लाजवाब है हर मूवी के अंदर कुछ ख़ास बात दोस्तों होती है और इस फिल्म के अंदर भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है यहाँ पर माँ और बेटे की जो कहानी है वो काफ़ी दिलचस्प है और इस फिल्म की जो आईएमडीबी रेटिंग है वो टेन आउट ऑफ एट पॉइंट टू की है और नाइन्टी प्रतिशत लोगों ने इसे लाइक किया है गूगल की तरफ से बाकी जो रॉट एंड टमेटोज है वहाँ पर लगभग पचास प्रतिशत लाएक मिले हैं लेकिन मेरा मानना ये है कि आप इस फिल्म को जब देखेंगे तो आप भी यही कहेंगे कि भाई वो रेटिंग ठीक नहीं है जो कि रॉट एंड की है इस फिल्म के जो डायरेक्टर है वो प्रशांत नील जो कि पहले भी सलार की जी अब चैप्टर वन ओग्रम ऐसी बहुत सी मूवीज़ बना चुके हैं और इनकी एक और मूवी आने वाली है एन टी आर थर्टी वन देखते हैं दोस्तों वो कैसी रहती है और क्या सा रिस्पॉन्स जो है उसे मिलता है अब बात करते हैं जी आप चैप्टर टू के बारे में दरअसल दोस्तों आप इस फिल्म को हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये आप सभी को जो है वो हिंदी में फ्री में यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेंगी हालांकि पहला पार्ट जैसे कि मैंने आपको बताया भोजपुरी के अंदर यूट्यूब पर अवेलेबल है लेकिन अगर आपको दूसरे पार्ट को देखना है तो आपको जाना पड़ेगा एमेज़ोन प्राइम वीडियो पर जी हाँ दोस्तों आपको इस फिल्म का दूसरा पार्ट देखना है तो आपको अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर जाना पड़ेगा जहाँ पर इस फिल्म का दूसरा पार्ट हिंदी के अंदर अवेलेबल है आप दूसरा से वहाँ पर देख सकते हैं एक तो रेंट पर लेकर या फिर आप अमेज़ॉन प्राइम की जो सब्सक्रिप्शन है मेंबरशिप वो भी ले सकते हैं यहाँ पर आपको हिंदी के अंदर ये देखने को मिलती है और अलग अलग हिंदी वर्जन है जैसे कि कुछ में डायलॉग बूस्ट किए गए हैं कुछ में डायलॉग मीडियम है तो ऐसे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं इस फिल्म का डायरेक्शन बहुत ही बढ़िया है और जो आप फिल्म से वहाँ पर इसे शायद मतलब उनका जो स्टूडियो था वहाँ पर ही शायद इसे डब कराया होगा अगर हम फिल्म की बात करें तो फ़िल्म की स्टोरी भी दोस्तों काफ़ी लाजवाब है जो कि हमें पूरी तरह से एंगेज करके रखती है अगर आप लोगों ने इस फिल्म का दोस्तों पहला पार्ट देखा होगा तो आपको पता होगा कि कहानी कहाँ पर ख़त्म हुई थी और वहीं से दोस्तों इस मूवी की कहानी जारी की जाती है और फिर मूवी देखने में मज़ा आता है अगर कहानी की बात करूँ तो इसका हर एक डायलॉग काफ़ी बढ़िया है और ये एक छोटे से गाँव में रह रही माँ की जीत की कहानी बताती है और उस जीत को पूरा करने के लिए रॉकी के सद तक जा सकता है वाकई के जी एफ चैप्टर टू के निर्देशक प्रशांत नील और यश उसे वादे को पूरा करते हैं और इस बार चैप्टर टू के अंदर उसे और भी ज़्यादा भव्य विशाल और इमोशनल और एंटरटेनिंग बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है लगभग हम देखते हैं दोस्तों जब किसी फिल्म का पहला पार्ट आता है तो दूसरा पार्ट उतना कमाल नहीं कर पाता है लेकिन कुछ ही ऐसी मूवीज़ होती है जिसका दूसरा पार्ट जो होता है वो ऑडियंस का दिल जीत लेता है और वो कामयाब होता है जैसे कि धूम सीरीज आप देख लीजिए कीजिए आप सीरीज़ देख लीजिए और शायद सलार टू भी शायद ऐसा ही कर सकती है वो भी एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म हो सकती है दूसरे भाग के अंदर हम देखते हैं कहानी जहाँ ख़त्म हुई थी वहाँ शुरू होती है अब यश ने गोड़ा को मार कर के जी पर नया सुल्तान बन गया है उसे वहाँ के लोगों का बेानतहा प्यार मिलता है और उसी प्यार के बलबूते पर वे रॉकी को अपना खुदा मानते हैं यह रॉकी आदि तूफान की तरह ही आगे बढ़ता जा रहा है और एक मंजिल फतह करने के बाद वे दूसरी मंजिल पर जीत हासिल कर जा करता है उसे के आपको सारा मतलब साना सोना चाहिए क्योंकि उसने अपनी माँ से वादा किया होता है कि जब वो मरेगा तो दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनकर बनकर मरेगा अब ऐसा यहाँ पर होता है या नहीं वो तो आप इस मूवी के अंदर देखेंगे बाकी दोस्तों फिल्म के अंदर जो है स्टोरी भी काफ़ी ज़बरदस्त है और जिस तरह से कहानी दोस्तों आगे बढ़ती है उसे देखने में काफ़ी मज़ा भी आता है पर्सनली मूवी तो मुझे काफ़ी दोस्तों बढ़िया लगी और इस फिल्म के अंदर हमें स्टोरी भी बहुत ही अच्छी देखने को मिली थी बाकी आप यश के फ़ैन हैं या फिर प्रसाद नल के फ़ैन हैं आप इस मूवी को जब देखेंगे तो आप दोनों के फ़ैन हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर ज़बरदस्त डायरेक्शन है और साथ ही में जो यश है इन्होंने बहुत ही तगड़ी एक्टिंग की है और नेगेटिव रोल के अंदर जो संजय दत्त है इन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया हुआ है जो कि आपको ज़रा भी निराश नहीं करेंगे तो कुल मिलाकर जो है वो एक ज़बरदस्त फिल्म है जिसे आप एक बार ज़रूर अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करिए ये मूवी अक्सर टीवी पर आती रहती है सोनी मैक्स पे तो आप चाहे तो इसे टीवी के ऊपर भी दोस्तों देख सकते हैं साउथ में बहुत सारी दोस्तों कमाल की मूवीज़ है लेकिन कुछ ऐसी फिल्में हैं जिन्हें हम एक बार देख लेते हैं तो काफ़ी लंबे समय तक नहीं भूल पाते हैं और ऐसी ही कमाल की मूवी है कि जी आप चैप्टर टू जिसके बारे में आज हम बात करेंगे और दोस्तों आप भी अगर इस फिल्म को हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको मिलेंगी वो भी मैं आपको वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ साथ ही मैं आपको फ़िल्म के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊँगा जो आप नहीं जानते होंगे वैसे दोस्तों फिल्म काफ़ी लाजवाब है इसके अंदर हमें काफ़ी तगड़ा एक्शन भी देखने को मिलता है और आप इसे हिंदी के अंदर भी देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म के जी आप चैप्टर टू के बारे में इससे पहले भी इस फिल्म का एक पार्ट आ चुका है अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए इस फिल्म का जो भोजपुरी वर्जन है वो यूट्यूब पर तो अवेलेबल है लेकिन वहाँ जाकर अगर आप देखते हैं तो आपको यही लगेगा कि आप हिंदी फिल्म ही देख रहे हैं बस कहने की भोजपुरी है और अब तक वहाँ पर 900 मिलियन व्यू मिले हैं इस मूवी को यानी कि 90 करोड़ लोग देख चुके हैं अब तक खैर दोस्तों बात करते हैं आगे इस फिल्म के बारे में तो इस मूवी के अंदर हमें क्राइम और एक्शन दोनों ही देखने को मिलेगा और इसका रन टाइम लगभग जो होगा वो पौने तीन घंटे के आसपास का है जो कि हमें दोस्तों बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाला है इसके अलावा दोस्तों इस फिल्म के अंदर हमें जो है एक अच्छी स्टोरी भी देखने को मिलेंगी और कहानी भी दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त है इस फिल्म के अंदर जो है वो जिस तरह का एक्शन हमें दिखाया गया है वाकई लाजवाब है हर मूवी के अंदर कुछ ख़ास बात दोस्तों होती है और इस फिल्म के अंदर भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है यहाँ पर माँ और बेटे की जो कहानी है वो काफ़ी दिलचस्प है और इस फिल्म की जो आई रेटिंग है वो टेन आउट ऑफ एट पॉइंट टू की है और नाइन्टी फॉर प्रतिशत लोगों ने इसे लाइक किया है गूगल की तरफ से बाकी जो रॉट एंड टमेटोज है वहाँ पर लगभग पचास प्रतिशत लाइक मिले हैं लेकिन मेरा मानना ये है कि आप इस फिल्म को जब देखेंगे तो आप भी यही कहेंगे कि भाई वो रेटिंग ठीक नहीं है जो कि रॉट एंड की है इस फिल्म के जो डायरेक्टर है वो प्रशांत नील जो कि पहले भी सलार के जी अब चैप्टर वन ओग्रम ऐसी बहुत सी मूवीज़ बना चुके हैं और इनकी एक और मूवी आने वाली है एन टी आर थर्टी वन देखते हैं दोस्तों वो कैसी रहती है और कैसा रिस्पांस जो है उसे मिलता है अब बात करते हैं कि जी आप चैप्टर टू के बारे में दरअसल दोस्तों आप इस फिल्म को हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये आप सभी को जो है वो हिंदी में फ्री में यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेंगी हालांकि पहला पार्ट जैसे कि मैंने आपको बताया भोजपुरी के अंदर यूटूब पर अवेलेबल है लेकिन अगर आपको दूसरे पार्ट को देखना है तो आपको जाना पड़ेगा अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पे जी हाँ दोस्तों आपको इस फ़िल्म का दूसरा पार्ट देखना है तो आपको अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर जाना पड़ेगा जहाँ पर इस फिल्म का दूसरा पार्ट हिंदी के अंदर अवेलेबल है आप दूसरा से वहाँ पर देख सकते हैं एक तो रेंट पर लेकर या फिर आप अमेज़ॉन प्राइम की जो सब्सक्रिप्शन है मेंबरशिप है वो भी ले सकते हैं यहाँ पर आपको हिंदी के अंदर ये देखने को मिलती है और अलग अलग हिंदी वर्जन है जैसे कि कुछ में डायलॉग बूस्ट किए गए हैं कुछ में डायलॉग मीडियम है तो ऐसे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं इस फिल्म का डायरेक्शन बहुत ही बढ़िया है और जो आप फिल्म से वहाँ पर इसे शायद मतलब उनका जो स्टूडियो था वहाँ पर ही इस शायद इसे डब कराया होगा अगर हम फिल्म, तो फिल्म की बात करें तो फिल्म की स्टोरी भी दोस्तों काफ़ी लाजवाब है जो कि हमें पूरी तरह से एंगेज करके रखती है अगर आप लोगों ने इस फिल्म का दोस्तों पहला पार्ट देखा होगा तो आपको पता होगा कि कहानी कहाँ पर ख़त्म हुई थी और वहीं से दोस्तों इस मूवी की कहानी जारी की जाती है और फिर मूवी देखने में मज़ा आता है अगर कहानी की बात करूँ तो इसका हर एक डायलॉग काफ़ी बढ़िया है और ये एक छोटे से गाँव में रह रही माँ की जीत की कहानी बताती है और उस जीत को पूरा करने के लिए रॉकी के सद तक जा सकता है वाकई के जी आप चैप्टर टू के निर्देशक प्रशांत नील और यश उसे वादे को पूरा करते हैं और इस बार चैप्टर टू के अंदर उसे और भी ज़्यादा भव्य विशाल और इमोशनल और एंटरटेनिंग बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है लगभग हम देखते हैं दोस्तों जब किसी फिल्म का पहला पार्ट आता है तो दूसरा पार्ट उतना कमाल नहीं कर पाता है लेकिन कुछ ही ऐसी मूवीज़ होती है जिसका दूसरा पार्ट जो होता है वो ऑडियंस का दिल जीत लेता है और वो कामयाब होता है जैसे कि धूम सीरीज आप देख लीजिए के जी आप सीरीज़ देख लीजिए और शायद सलार टू भी शायद ऐसा ही कर सकती है वो भी एक बहुत ही बड़ी ब्लॉक फिल्म हो सकती है दूसरे भाग के अंदर हम देखते हैं कहानी जहाँ ख़त्म हुई थी वहाँ शुरू होती है अब यश ने गरुड़ा को मार करके जिया पर नया राज सुल्तान बन गया है उसे वहाँ के लोगों का बे प्यार मिलता है और उसी प्यार के बलबूते पर वे रॉकी को अपना खुदा मानते हैं यहाँ रॉकी आदि तूफ़ान की तरह ही आगे बढ़ता जा रहा है और एक मंजिल फतह करने के बाद वे दूसरी मंजिल पर जीत हासिल कर जा करता है उसे के आपको सारा मतलब साना सोना चाहिए क्योंकि उसने अपनी माँ से वादा किया होता है कि जब वो मरेगा तो दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनकर मर बनकर मरेगा अब ऐसा यहाँ पर होता है या नहीं वो तो आप इस मूवी के अंदर देखेंगे बाकी दोस्तों फिल्म के अंदर जो है स्टोरी भी काफ़ी ज़बरदस्त है और जिस तरह से कहानी दोस्तों आगे बढ़ती है उसे देखने में काफ़ी मज़ा भी आता है पर्सनली मूवी तो मुझे काफ़ी दोस्तों बढ़िया लगी और इस फिल्म के अंदर हमें स्टोरी भी बहुत ही अच्छी देखने को मिली थी बाकी आप यश के फ़ैन हैं या फिर प्रसाद नल के फ़ैन हैं आप इस मूवी को जब देखेंगे तो आप दोनों के फ़ैन हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर ज़बरदस्त डायरेक्शन है और साथ ही में जो यश है इन्होंने बहुत ही तगड़ी एक्टिंग की है और नेगेटिव रोल के अंदर जो संजय दत्त है इन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया हुआ है जो कि आपको ज़रा भी निराश नहीं करेंगे तो कुल मिलाकर जो है वो एक ज़बरदस्त फिल्म है जिसे आप एक बार ज़रूर अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करिए ये मूवी अक्सर टीवी पर आती रहती है सोनी मैक्स पे तो आप चाहे तो इसी टीवी के ऊपर भी दोस्तों देख सकते हैं साउथ में बहुत सारी दोस्तों कमाल की मूवीज़ है लेकिन कुछ ऐसी फिल्में हैं जिन्हें हम एक बार देख लेते हैं तो काफ़ी लंबे समय तक नहीं भूल पाते हैं और ऐसे ही कमाल की मूवी है कि जी आप चैप्टर टू जिसके बारे में आज हम बात करेंगे और दोस्तों आप भी अगर इस फिल्म को हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको मिलेंगी वो भी मैं आपको वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ साथ ही मैं आपको फ़िल्म के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आप नहीं जानते होंगे। वैसे दोस्तों फिल्म काफ़ी लाजवाब है इसके अंदर हमें काफ़ी तगड़ा एक्शन भी देखने को मिलता है और आप इसे हिंदी के अंदर भी देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म कीजिए आप चैप्टर टू के बारे में इससे पहले भी इस फिल्म का एक पार्ट आ चुका है अगर अभी तक तो आपने उसे नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए इस फिल्म का जो भोजपुरी वर्ज़न है वो यूट्यूब पर तो अवेलेबल है लेकिन वहाँ जाकर अगर आप देखते हैं तो आपको यही लगेगा कि आप हिंदी फिल्म ही देख रहे हैं बस कहने की भोजपुरी है और अब तक वहाँ पर 900 मिलियन व्यू मिले हैं इस मूवी को यानी कि नब्बे करोड़ लोग देख चुके हैं अब तक खैर दोस्तों बात करते हैं आगे इस फिल्म के बारे में तो इस मूवी के अंदर हमें क्राइम और एक्शन दोनों ही देखने को मिलेगा और इसका रन टाइम लगभग जो होगा वो पौने तीन घंटे के आसपास का है जो कि हमें दोस्तों बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाला है इसके अलावा दोस्तों इस फिल्म के अंदर हमें जो है एक अच्छी स्टोरी भी देखने को मिलेंगी और कहानी भी दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त है इस फिल्म के अंदर जो है वो जिस तरह का एक्शन हमें दिखाया गया है वाकई लाजवाब है हर मूवी के अंदर कुछ खास बात दोस्तों होती है और इस फ़िल्म के अंदर भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है यहाँ पर माँ और बेटे की जो कहानी है वो काफ़ी दिलदस्त है और इस फिल्म की जो आई रेटिंग है वो टेन आउट ऑफ एट की है और नाइन्टी फॉर प्रतिशत लोगों ने इसे लाइक किया है गूगल की तरफ से बाकी जो रॉटेन टमेटोज है वहाँ पर लगभग पचास प्रतिशत लाइक मिले हैं लेकिन मेरा मानना ये है कि आप इस फिल्म को जब देखेंगे तो आप भी यही कहेंगे कि भाई वो रेटिंग ठीक नहीं है जो कि रॉटन टमेटोज़ की है इस फिल्म के जो डायरेक्टर है वो प्रशांत नील जो कि पहले भी सलार की जी अब चैप्टर वन ओग्रम ऐसी बहुत सी मूवीज़ बना चुके हैं और इनकी एक और मूवी आने वाली है एन टी आर थर्टी वन देखते हैं दोस्तों वो कैसी रहती है और क्या सा रिस्पॉन्स जो है उसे मिलता है अब बात करते हैं जी आप चैप्टर टू के बारे में दरअसल दोस्तों आप इस फिल्म को हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये आप सभी को जो है वो हिंदी में फ्री में यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेंगी हालांकि पहला पार्ट जैसे कि मैंने आपको बताया भोजपुरी के अंदर यूट्यूब पर अवेलेबल है लेकिन अगर आपको दूसरे पार्ट को देखना है तो आपको जाना पड़ेगा Amazon प्राइम वीडियो पे जी हाँ दोस्तों आपको इस फिल्म का दूसरा पार्ट देखना है तो आपको Amazon प्राइम वीडियो पर जाना पड़ेगा जहाँ पर इस फ़िल्म का दूसरा पार्ट हिंदी के अंदर अवेलेबल है आप दूसरे से वहाँ पर देख सकते हैं एक तो रेंट पर लेकर या फिर आप अमेज़ोन प्राइम की जो सब्सक्रिप्शन है मेम्बरशिप वो भी ले सकते हैं यहाँ पर आपको हिंदी के अंदर ये देखने को मिलती है और अलग अलग हिंदी वर्जन है जैसे कि कुछ में डायलॉग बूस्ट किए गए हैं कुछ में डायलॉग मीडियम है तो ऐसे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं इस फिल्म का डायरेक्शन बहुत ही बढ़िया है और जो आप फिल्म से वहाँ पर इसे शायद मतलब उनका जो स्टूडियो था वहाँ पर ही इस शायद इसे डब कराया होगा अगर हम फिल्म की बात करें तो फ़िल्म की स्टोरी भी दोस्तों काफ़ी लाजवाब है जो कि हमें पूरी तरह से एंगेज करके रखती है अगर आप लोगों ने इस फिल्म का दोस्तों पहला पार्ट देखा होगा तो आपको पता होगा कि कहानी कहाँ पर ख़त्म हुई थी और वहीं से दोस्तों इस मूवी की कहानी जारी की जाती है और फिर मूवी देखने में मज़ा आता है अगर कहानी की बात करूँ तो इसका हर एक डायलॉग काफ़ी बढ़िया है और ये एक छोटे से गाँव में रह रही माँ की जीत की कहानी बताती है और उस जीत को पूरा करने के लिए रॉकी के सद तक जा सकता है वाकई के जी आप चैप्टर टू के निर्देशक प्रशांत नील और यश उसे वादे को पूरा करते हैं और इस बार चैप्टर टू के अंदर उसे और भी ज़्यादा भव्य विशाल और इमोशनल और एंटरटेनिंग बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है लगभग हम देखते हैं दोस्तों जब किसी फिल्म का पहला पार्ट आता है तो दूसरा पार्ट उतना कमाल नहीं कर पाता है लेकिन कुछ ही ऐसी मूवीज़ होती है जिसका दूसरा पार्ट जो होता है ऑडियंस का दिल जीत लेता है और वो कामयाब होता है जैसे कि धूम सीरीज आप देख लीजिए कीजिए आप सीरीज़ देख लीजिए और शायद सलार टू भी शायद ऐसा ही कर सकती है वो भी एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबास्टर फिल्म हो सकती है दूसरे भाग के अंदर हम देखते हैं कहानी जहाँ ख़त्म हुई थी वहाँ शुरू होती है अब यश ने गरुड़ा को मार करके जिया पर नया राज सुल्तान बन गया है उसे वहाँ के लोगों का बे प्यार मिलता है और उसी प्यार के बलबूते पर वे रॉकी को अपना खुदा मानते हैं यहाँ रॉकी आदि तूफान की तरह ही आगे बढ़ता जा रहा है और एक मंजिल फतह करने के बाद वे दूसरी मंजिल पर जीत हासिल कर करता है उसे के जी आपको सारा मतलब साना सोना चाहिए क्योंकि उसने अपनी माँ से वादा किया होता है कि जब वो मरेगा तो दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनकर मर बनकर मरेगा अब ऐसा यहाँ पर होता है या नहीं वो तो आप इस मूवी के अंदर देखेंगे बाकी दोस्तों फिल्म के अंदर जो है स्टोरी भी काफ़ी ज़बरदस्त है और जिस तरह से कहानी दोस्तों आगे बढ़ती है उसे देखने में काफ़ी मज़ा भी आता है पर्सनली मूवी तो मुझे काफ़ी दोस्तों बढ़िया लगी और इस फिल्म के अंदर हमें स्टोरी भी बहुत ही अच्छी देखने को मिली थी बाकी आप यश के फ़ैन हैं या फिर प्रसाद नल के फ़ैन हैं आप इस मूवी को जब देखेंगे तो आप दोनों के फ़ैन हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर ज़बरदस्त डायरेक्शन है और साथ ही में जो यश है इन्होंने बहुत ही तगड़ी एक्टिंग की है और नेगेटिव रोल के अंदर जो संजय दत्त है इन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया हुआ है जो कि आपको ज़रा भी निराश नहीं करेंगे तो कुल मिलाकर जो है वो एक ज़बरदस्त फिल्म है जिसे आप एक बार ज़रूर अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करिए ये मूवी अक्सर टीवी पर आती रहती है सोनी मैक्स पे तो आप चाहे तो इसे टीवी के ऊपर भी दोस्तों देख सकते हैं